चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवुर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि को विद कहि सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव वह किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान झोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसों सुर भूप। सियावर राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो लब्धासो अपरीतास उद्विद देवानो यथ सदमिद हृदे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमति रुजुयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयं पगं मित्रमदिदिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यो तद्ग्रावान सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं भूषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदद्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभं यावानो विदधे सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूर्यशेम देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदो मन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवीशान्ति प्रापश्शान्ति दोषदयशान्ति वनस्पतयशान्ति विश्वे देवाशान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति एवार्येव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि भूषण एवा हि देवा पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। सबको प्रणाम। जय सियाराम। आज हमारे बीच एक विशेष शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है। संस्कृति के चार अध्याय जिन्होंने हमको दिए, जो बिहार का शब्द परिचय है, ऐसे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के वरिष्ठ सुपुत्र श्री केदारनाथ सिंह, कल्पना सिंह, श्री मनोरंजन सिंह और रेखा देवी जी यहाँ पर पूज्य बापू की और पोथी जी की वंदना करते हुए। जय सियाराम। आदरणीय केदारनाथ सिंह जी भी स्वयं एक वरिष्ठ कवि है और केदारनाथ जी को हम विनती करते हैं कि कथा के पूर्व इस मौके पर आप हम सबको दो शब्द कहें। श्री केदारनाथ सिंह। नमस्कार करता हूँ सारे जनों को और आज के महासंत बापू जी को नमस्कार करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि बापू जी के दर्शन और इनके इतना निकट आने का अवसर मिला और इसके लिए उनकी कृपा है। उनकी कृपा आई तो केशव भाई जी के माध्यम से आई, इसलिए मेरे लिए वो भी प्रणम्य हैं जिनके जो माध्यम बने महात्मा के दर्शन का। लगभग 40 वर्ष पूर्व दिल्ली गया हुआ था, 85 के आसपास, तो बापू जी के आयोजन था, कथा का आयोजन था यमुना के किनारे। उस समय तो दर्शन नहीं कर पाया, वाणी भी श्रवण नहीं कर पाया, लेकिन नए विज्ञान के विकास से टेलीविज़न पर लगातार सुनते रहा हूँ, सुनता ही हूँ, श्रद्धापूर्वक सुनता हूँ। वैसे सामान्य मनुष्य की श्रद्धा क्या, वो तो विकल श्रद्धा है, विकल श्रद्धा से सुनते रहता हूँ और अपने को धन्य मानता हूँ कि आज बापू के चरण स्पर्श करने का अवसर मिला। धन्यवाद।
नमो अरहंताणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो पढ़मं हवै मंगलं पढ़मं हवै मंगलं ओ ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ते ते कस्य स्विद्धनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरनर देवाय तस्मै नमः चालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं याकुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवै सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलारविन्दाय तत्पत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यास
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिभे वासिष्ठाय नमो नमः सहनाववतु सब साथ बोलिए सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ओ पालनहारे पालनहारे दिन दिन प्रकृति खिलती जा रही है, दो दो दिव्यात्माएं इस पवित्र भूमि में उपस्थित हैं और प्रकृति आनंदपूर्ण है और हम सभी आनंदपूर्ण हैं, इसलिए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और गाते हैं मन से। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं हमरी सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं तुम्हें हम काहो संहारे तुम्हें हमरे रखवारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं हमरा कौनो नहीं चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्हीं से ये गगन भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दोहारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो
भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे Ram
भगवान
सदगुरु भगवान प्रिय वो नमः पार्वती पतये राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
अजीर बिहारी द्रवसो पाद गोस्वामी
तुलसीदास जी महाराज प्रिय बिनवाऊ
बाप भगवान महावीर प्रभु की ये तपस्थली साधना स्थली जो कहो उस परम पावन भूमि पर स्थित विरायतन में आयोजित नौ दिवसीय राम कथा के आज के दिन की कथा के आरंभ में यहाँ की समस्त चेतना की विधिवत धाराओं को प्रणाम करते हुए विरायतन संस्था के अधिष्ठात्री पूजनीय आचार्य माँ को प्रणाम करते हुए संतगण साध्वीगण विधिवत क्षेत्र के हमारे आदरणीय महानुभाव आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन निमित्त मात्र यजमान परिवार और विशेष रूप में कहूँ तो जिस महान शब्द चेतना ने हम सबको संस्कृति के चार अध्याय प्रदान किए वो दिनकर साहब बापा के परिवार से आए सभी परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूँ स्वागत करता हूँ। और मैं साथ साथ ये भी कह दूँ कि कभी अवसर मिला अल्लाह ने चाहा आखिर तो हो ही सोई जो राम रचि राखा फिर भी यदि परमात्मा ने चाहा तो 90% मेरी चाह है कि कभी दिनकर जी की इस भूमि पर गंगा के घाट पर इस महान शब्द साधक शब्द के परम उपासक की भूमि पर गंगा के घाट पर 9 दिवसीय एक राम कथा का अनुष्ठान हो। 90% कल क्या हो क्या पता, इसलिए मैं किसी को भी कार्यक्रम देता हूँ तो 90% ही कहता हूँ क्योंकि रामायण का गायक हूँ। दिया हुआ वचन पूरा न हो तो जन्म जन्म ये बात मुझे चुभती रहेगी कि वादा नहीं पूरा हुआ, इसलिए 90% कहता हूँ। कि अभी बिहार की कुछ कथाएँ बहुत आगे से पड़ी हुई है मेरे पास, मैं भी प्रतीक्षारत हूँ और कथा ले जाने वाले भी प्रतीक्षारत है, लेकिन इन क्रम में जब भी अवसर मिल गया तो कभी गंगा के तट पर इस महान कितने महान कवि हैं हमारे जिन्होंने महाकवि राष्ट्र कवि की स्मृति में हम 9 दिन कोशिश करें। 90% ये शब्द याद रखना, पूरा हो न हो परमात्मा जाने। लेकिन मेरे पास बात भी तो है लेकिन मेरे मन में भी, क्योंकि साहित्यिक भूमि को प्रणाम करना ही चाहिए। ये गंगा के तट पर बही एक दूसरी गंगा थी,
और वहाँ भी कवि, और कुछ ऐसा रूप दिया जाए कि साहित्यिक जगत के लोग आए, सुबह में कथा हो, शाम में दो घंटे भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति पर सबके विचार प्रस्तुत किए जाएं, और क्यों न एक शब्द कुंभ किया जाए। ऐसा मनोरथ है, पूरा हो तो ठीक। हमारे वैष्णव वल्लभाचार्य भगवान की परंपरा में तुष्टि मार्ग में मनोरथ कहते हैं, पूरा हो तो ठाकुर जी की इच्छा, न हो तो भी उसकी इच्छा। गाजर की पिपुड़ी बाग जे तब तक बजाना, न बजे तो नमक में उसको कर अथाने के रूप में खा जाना, बस यही बात है। लेकिन मनोरथ जरूर है, और साथ साथ मनोरथ ये भी क्यों ना दोहराऊं, यदि हुआ तो कभी गुजरात में मेरी इच्छा है पूर्व सूर्यो उसके बाद के अध्याय, उसमें एक बीच की कड़ी महामहिम एक महान कवि उमाशंकर जोशी की इस छोटे से गांव में भी एक अनुष्ठान करना। हाँ, मैं गया हूँ उसकी जन्मभूमि को दर्शन करने, लेकिन कभी यदि वो भी सब 90% गुजरात भी सुनता होगा, पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन पहले अवसर मिला तो गंगा के तट पर भगवान की कथा गाएंगे। और मैं तो बिहार में, और मेरे जहाँ जहाँ मेरे श्रोता, मेरे कोई शिष्य तो है ही नहीं, न मैं किसी का गुरु हूँ, न मेरा कोई चेला है, ये धंधा करने जैसा भी नहीं है, क्योंकि अक्सर चेले ही गुरु को गिरा देते हैं, इसलिए हमारे मजबूर साहब कहते हैं। पर हमारी माँ भी बिल्कुल इसमें, माँ मुझे कल कह रही थी कि बापू मैं, मुझे महावीर, मेरे लिए क्या नहीं है महावीर, मैं महावीर से बहुत प्रभावित हूँ, महावीर मैं हूँ, लेकिन मेरी संस्था में कोई भेद नहीं है, यहाँ सब आ गए। मेरी संस्था में बामुश्किल 5-10 कोई जैन हो तो हो, बाकी सबके लिए ये खुला है, ये सबका है, और ये सबके साथ मिलकर मैं काम कर रही हूँ, और किसी के बंधन में नहीं हूँ, कोई मुझे बांध नहीं सकता। मैंने कह दिया था सबको कि बापू की कथा होनी है, उसमें मैं ही निर्णय करने वाली हूँ, और कोई निर्णय नहीं करने वाले है। साधु का ये स्वातंत्र को एक साधु का प्रणाम है, इसको मेरा नमन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे श्रोत लोग मुझे पूछते हैं आपके कितने शिष्य, मेरा कोई है ही नहीं, मैं कोई गुरु हूँ, गुरु के काबिल ही नहीं हूँ, हम गुरु कैसे हो सकते हैं। हाँ, एक समर्थ और पाए हुए बुद्ध पुरुष का मैं शिष्य जरूर हूँ, जो मेरे दादाजी मेरे ग्रैंडफादर रहे, और वो शिष्यत्व यदि पूरा करूँ तो भी बहुत है, बाकी ना कोई मजबूर साहब के दो पंक्ति का एक शेर है छोटा सा, ना कोई गुरु ना कोई चेला, भीड़ में अकेला अकेले में मेला, भीड़ में अकेला अकेले। तो मेरे बहुत से श्रोता है, कितने कितने करजी के फॉलोअर्स हैं, कितने मेरे कई भाई बहनों को मैं जानता हूँ, इस महाकवि की कविताएं उसको कंठस्थ हैं, इनमें भी स्नेह रश्मि रथी, जितनी बार पढ़ो साहब, हाँ, कर्ण बैठा होता है जीवंत तो होता है, मानो कर्ण को फिर से कवच कुंडल आ गए, छीन लिए थे इंद्र ने, शब्द स्वामियों ने फिर से दिलवा दी। साहित्य ये कर सकता है, संपत्ति वाले छीन लेते हैं, साहित्य वाले कमी को पूरी कर देते हैं, यही तो इंद्र ने छीना था ये कवच कुंडल कर्ण का, लेकिन शब्द पूर्त कर देते हैं। तो मनोरथ है जब परमात्मा ने इंशाअल्लाह कह दे, इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत
अगर जिंदगी ने दगा नहीं दिया तो फिर मुलाकात होगी, ऐसा इसका अर्थ होता है। ओ यही सोई जो राम रची राखा। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, आदर करता हूँ। मानस महावीर रामचरितमानस को केंद्र में रखते हुए, ये महावीर हनुमान तो है ही, जो मेरी दृष्टि में आदि अनादि अरिहंत है, अरहंत पद प्राप्त है, अप्रमादी है, अपरिग्रही है, अचौर्य है, अकाम है, अहिंसिक अहिंसक है, जिन्होंने भीतर के खल बन पावक ज्ञान गन, हनुमान जी के लिए लिखा यही तो उनका अरहंत पद है। खल बन पावक, जो भीतर के दुश्मन है, जो भीतर के दुरीत है, उनका जो जंगल हमारे अंदर भरा हुआ है दुर्वृत्तियों का, इसको जलाने में जो ज्ञानाग्नि है, खल बन पावक और फिर ज्ञान घन, जो ज्ञान की वर्षा है, और जिसके हृदय में परम तत्व राम रूप में विराजित है, ऐसे हनुमान जी के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। इसी अर्थ में हनुमान जी अरहंत पद प्राप्त है, आदि अरहंत पद, आदि अप्रमाद, आदि अपरिग्रह। माने कल बहुत सुंदर कहा कि भगवान महावीर तो अपरिग्रह की व्याख्या वहां तक करते थे कि एक एकमात्र छोटा सा चीथड़ा जैसा वस्त्र यदि कंधे पर हो और पूरी दिगंबरी हो, और व्यक्ति को यदि इस चीथड़े पर भी आसक्ति रही तो वो परिग्रही है, और स्वर्ण मंडित सिंहासन पर भी यदि कोई जय जयकार के साथ आसीन हो लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, तो वो सिंहासन पर बैठे हुए भी अरहंत पद प्राप्त है, अपरिग्रही है। तो बाप श्री हनुमान जी ये सब कुछ है। तीन बात में आपके सामने ये नौ दिन में मेरी चर्चा रहेगी, कुछ कुछ संदर्भ लेकर। मानस, एक तो मानस, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण को एक विशेष दृष्टि से समझना पड़ता है। वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम राम ही है, लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बिलग बिलग अंगल से, सबके सबके अपने अपने राम होते हैं, होना चाहिए। तुलसी का राम हो, मुरारी बापू का राम हो, आपका राम हो, फलां का राम हो, सबका राम होना चाहिए, ये सबको अधिकार है। लेकिन तत्वतः राम एक है। तो रामचरितमानस में जो जो सूत्र है, एक ग्रंथ में है, वही सूत्र भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करता हूं तो इस निर्ग्रंथ तीर्थंकर के जीवन में दिखते हैं। भगवान राम में राम तो क्या है, तुलसी ने लिखा, आदि अंत को, चौपाई सुनिएगा, आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम असगा। ये परम तत्व, कोई उसको राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई महावीर कहे, कोई बुद्ध कहे, कोई जीसस कहे, कोई जिसको जो कहना हो कहे, ये आदि अनादि तत्व राम, उनका दर्शन कराते हुए तुलसी का रामचरित जिन सूत्रों की चर्चा करते हैं वो निर्ग्रंथ भगवान महावीर में दिखते हैं। जो राम में है वो महावीर में, दिगंबरी में दिखते हैं।
राम में शायद वो पीताम्बरी में दिखते हैं, लेकिन महावीर में वो दिगंबरी में दिखते हैं। और तीसरे हनुमान, हनुमान में जो जो सूत्र दिखते हैं वो भगवान महावीर स्वामी में 2500 साल पहले इस विश्व को मिला वरदान भगवान तीर्थंकर महावीर प्रभु उसमें दिखते हैं। आज मुझे ऐसे मानस के, राम के और हनुमान के, खास करके मानस ने जो प्रतिपादन किया है, इन तीन सूत्रों की चर्चा आपके सामने संवादी सूर में करनी है। एक भगवान महावीर स्वामी मैं लिख कर लाया हूं, मैं भूल जाऊं ना, क्योंकि उच्चारण भी मुझे तकलीफ दे, लेकिन मैंने लिख लिया है ताकि मैं सही, फिर भी भूल चुको तो माफ करना। भगवान महावीर स्वामी के शब्द आप भी बोलिएगा, फिर उसको मानस में कहाँ आएगी वो मैं आपके सामने गुरु कृपा से पेश करूंगा। धम्मो 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 मंगल मुक्किट्ठम मंगल मुक्किट्ठम मंगल मुक्किट्ठम मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा 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 संयमो 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 तवो 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 देवावीतम 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 नमस्सन्ति 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 जस्स 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 धम्मे 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 सयामणो 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 धम्मो 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 भगवान महावीर प्रभु के ये अमृत वचन है। मानस के आधार पर उसकी चर्चा आपके सामने करूं। वो धर्म परम मंगल है, वो धर्म परम श्रेष्ठ है, परम मंगल। मंगल शब्द आया तो मुझे रामचरितमानस सीधा मेरे अंदर नर्तन करने लगता है, क्योंकि रामचरितमानस ने मंगल शब्द की वर्षा की है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ मंगल करनी कलिमल हरनी। कितनी बार मंगल शब्द का वर्षा हुई है मानस। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि वो धर्म मंगलमय है, मंगल रूप है, सर्वश्रेष्ठ है, परम है वो धर्म, मंगल धर्म। लेकिन कौन सा ये धर्म जो परम मंगल है, परम श्रेष्ठ है,
सब तो अपनी अपनी बात करते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ। एक धर्म वाले कहते हैं कि हमारा श्रेष्ठ, दूसरा कहता है हमारा श्रेष्ठ, और हमारा श्रेष्ठ, हमारा श्रेष्ठ, हर हमारा श्रेष्ठ, यही सिद्ध करने में ये पृथ्वी लाशों से दबी हुई है, मुर्दों से दबी हुई है। हम श्रेष्ठ, मम सत्यम, संस्कृत में मम सत्यम युद्ध का पर्याय है, मेरा ही सत्य सत्य, दूसरे का नहीं। इसी में से तलवारें खींची गई हैं, इसी में से हत्याएं हुई है। तो सब कहेंगे मेरा धर्म श्रेष्ठ है। अब रामचरितमानस में ही आप देखो तो धर्म की कितनी बिलक बिलक परिभाषा है। स्मृति में आए इतनी बता दूं आपको, आशावरी का परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस स्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं। एक व्याख्या, फिर वही तुलसी वही रामचरितमानस में कहते हैं आगम निगम पुरा प्रसिद्ध धर्म न सेवा धर्म कठिन जग जा आगम निगम पुराण सब में बखाना गया है कि सेवा के समान कोई कठिन धर्म नहीं। दूसरी परिभाषा आ गई। फिर कहते हैं सत्य के समान कोई धर्म नहीं। असत्य के समान कोई पाप नहीं। फिर एक जगह कहते हैं धर्म न दया सरिस हरि जाना, हे गरुड़ दया के समान कोई धर्म नहीं। लेकिन इन सब में जब श्रेष्ठ धर्म जिसको भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्तिठम, जो श्रेष्ठतम मंगल धर्म की व्याख्या जब भगवान महावीर करते हैं तो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है। रामचरितमानस ने श्रेष्ठतम धर्म की परिचयित कराते हुए कहा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा
मानस ने कहा परम धर्म तो अहिंसा ही है, और भगवान महावीर अहिंसा को ही परम धर्म कहते हैं। ये साधारण है, कोई मेरे जेब से निकली हुई बात नहीं, प्रस्तुति मोरारी बापू की हो सकती है, प्राकट्य तो ऑलरेडी पहले से हुआ होगा। परम धर्म अहिंसा है, कौन श्रेष्ठ धर्म? तो तीन वस्तु गोस्वामी भगवान महावीर कहते हैं कौन परम मंगल धर्म, तो बोले अहिंसा, फिर दूसरा कहे संयमो संयम, और रामचरितमानस में संयम धर्म की, संयम की बहुत सटीक और सम्यक व्याख्या आई है। और श्रेष्ठ धर्म का उद्घाटन करते हुए भगवान महाप्रभु कहते तवो, तवो माने तप, तप श्रेष्ठ धर्म। और रामचरितमानस ने तप रूपी धर्म की भूरी शह चर्चा की। तो ये तीनों, और जो रामायण के पाठक है स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, पारायण करते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथाएं कहते हैं, सोचते हैं, राम कथा पर अपने अपने ढंग से लिखते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, सब जानते हैं इस कि ये तीनों है। ये तोड़ जोड़ कर बिठाना नहीं है, ये ऑलरेडी है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं श्रेष्ठ और मंगल धर्म दुनिया में, श्रेष्ठ धर्म वो है, बोले कौन से, बोले अहिंसा संयम और तप, देवा वीतम नमंसंति। ऐसा धर्म को जो संलग्न हो जाता है, ऐसे धर्म को अपने जीवन में रोम रोम में स्थापित कर देता है, धारणात् धर्म इत्याहु। हमारे यहां आया है सूत्र कि धर्म माने क्या, जो सबको धारणात्, धारणात् सबको धारण करे वो धर्म, धारणात् धर्म इत्याहु ऐसा सूत्र है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि धर्म सबको धारण करता है, वो धर्म को कौन धारण करे? पृथ्वी हम सबको धारण करती है, लेकिन पृथ्वी को कौन धारण करे? बोले शेष, धारण करे उसको धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म को तो भी कोई धारण करने चाहिए। तो रामचरितमानस में तलगाजड़ी आंखों से जब मैं दर्शन करता हूं तो मुझे लगता है कि धर्म को धारण करते हैं भरत जी। भरत धर्म धुरंधर धीर धरी, कभी राम कभी भरत, ऐसे संत, ऐसे पैगंबर, ऐसे महात्मा, ऐसे तीर्थंकर, वो धर्म के धारक, वो स्वयं धर्म को धारण करते हैं। ऐसा धर्म अहिंसा तप और संयम, और ऐसा धर्म जो जीवन में रखता है उसको देवता नमस्कार करते हैं, उसको देवता लोग प्रणाम करते हैं। करवाना नहीं है देवताओं से कि देवता प्रणाम करें, लेकिन देवता प्रणाम करते हैं, ये उनकी बाध्यता हो जाती है, सिर झुकता है, झुकेगा ही। तो तीनों धर्म की बातें रामचरितमानस ने कही, इसमें पहले अहिंसा, भगवान महावीर स्वामी परमो धर्म कहते हैं, और तुलसी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। उत्तरकांड में गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे भुसुंडी को, उसमें जो एक प्रश्न है कि परम धर्म क्या है, परम पुण्य क्या है, पाप क्या है, तब कहा कि परम धर्म अहिंसा है। अब अहिंसा की व्याख्या बहुत हुई है, होनी चाहिए,
सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्याएं संतों ने, मनीषियों ने, महात्माओं ने, और जैन परंपरा में तो खबर नहीं कितनी अद्भुत अद्भुत व्याख्याएं प्राप्त होती है दर्शनों में। मुझे भी कुछ कहने की छूट दी जाए, मेरी जिम्मेवारी के साथ। आप अपने सिर पर मत लेना, बाध्यता नहीं, आप सुनो वो भी बहुत है। बुद्ध भगवान कहते हैं मेरी बात मानना मत कि मैं राजकुमार था, मेरा इतना उच्च कुल था, पढ़ा लिखा, मेरा ऐसा यौवन था, देदीप्यमान हूँ और मैं सब तरह से संपन्न था। मेरे इस पूर्व जीवन को देखकर अथवा तो मेरी अभी की साधना की वो देख करके आप मेरे वचनों को मत मानना, आप सुन करके अपने ढंग से सोचिएगा। और कहा गया सत्य यदि आपका सत्य हो जाए तो फिर उस सत्य को किसी वक्ता ने पेटेंट नहीं किया है, वो तुम्हारा है, उसको किसी ने अधिकार में नहीं बांध लिया, क्योंकि उसको हम पेटेंट कर ले। ये काली शॉल मैंने पेटेंट नहीं की है, कोई भी रख सकता है, कोई भी रख सकता है, ठीक है, लेकिन वहां से शुरू करो। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए की गई नकल हिंसा है। समक्षेत्र की बात कर रहा हूं, आप शाल लेकर घूमो तो ये बात और है, सवाल है समक्षेत्र का। और मैं देखता आया हूं 50 सालों से कि मूल में सब ने नकल की, बाकी थोड़ी समझदारी आई तो रंग बदल दिए गए, बाकी मूल में सब ने नकल की। यह है हिंसा। मैंने काली शाल किसी की नकल करके नहीं रखी है, मेरे पूर्व में कोई एक चित्र दिखा दो कि कथा जगत में कोई रखता था, नहीं। हाँ, तीन रखते थे, एक योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण, और पैगंबरी में चला जाऊं तो वो इस्लाम धर्म में भी सूफी संत काली ऊन के धावले पहनते थे जो कमली वाले कहलाते थे। बाकी आदि अनादि तो है कृष्ण, कामली लेकर, लेने तारी कामली ने लेने तारी लाकड़ी, हमारे गुजराती में पद लिखे गए हैं। कृष्ण काली शॉल रखते थे, और फिर कृष्ण ने जिसको आवाज दी दी थी, कृष्ण ने जाते जाते कुछ वस्तु बांट दी थी, पादुका उद्धव तू ले जा, गीता अर्जुन तू ले जा, बांसुरी राधा तू ले जा, आंसू नंद बाबा तुम ले जा। आंसू दिए थे नंद को, ये हमारे घरों में जो थांबली होती थी ना, खंभे परसाल होती थी और खंभे होते थे ना, खंभे वाले मकान बहुत उपयोगी थे, क्योंकि आदमी को कभी किसी कारण रोना होता था ना तो देहात में लोग एक खंभे कंधे पकड़ करके रो लेते, ये सहाया था, एक साथी था, एक कंधे के लिए दूसरा खंभा, एक दूसरा कंधा बनता था। गोविंद के जाने के बाद नंद क्या करते थे, क्योंकि
बाप ने कृष्ण को क्या दिया खबर नहीं, लेकिन कृष्ण ने जो नंद को दिया वो थे आंसू। इति संस्मृत्य संस्मृत्य उद्धव, जब कृष्ण की स्मृति आती है। मेरी व्यासपीठ सोचती है मुझे दुआ दीजिएगा कि एक है श्रवण संस्कृति जो बुद्ध और महावीर भगवान के से चली, श्रवण संस्कृति, पुरुषार्थ, परिश्रम, साधना, कठिन तपस्या, श्रवण, और एक और है पूरी ब्राह्मण संस्कृति, वेद उपनिषद पूरी ब्राह्मण संस्कृति। केवल वर्णवाचकता में मैं ब्राह्मण शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं। भगवान महावीर ने कभी कहा है कि जो ब्रह्मचर्य रखता है वो ही ब्राह्मण है, महावीर वाणी, महावीर के वचन। केशव भाई, एक है श्रवण संस्कृति, एक है ब्राह्मण संस्कृति, समांतर जाए रेलवे लाइन की तरफ, लेकिन रेलवे लाइन के एक रेलवे लाइन का भी एक प्रमाणिक डिस्टेंस होना चाहिए। इकट्ठे हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, और चौड़े हो जाए तो गति कुंठित हो जाएगी, उस पटरी पर कोई चल नहीं पाएगा। इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए जो पहले लकड़ी का एक लकड़ा रखा जाता है रेलवे लाइन, अब लोहे के रखते हैं, जो दोनों को एक समांतर रेखा में। मुझे लगता है कि ये श्रवण संस्कृति और ये ब्राह्मण संस्कृति के बीच में एक तीसरी होनी चाहिए, स्मरण संस्कृति, कि हमारी इन पूर्व पूरी की पूरी परंपराओं का हमें स्मरण रहे, स्मरण संस्कृति, जो दोनों को जोड़े, कि बुद्ध को भी स्मर, महावीर को भी स्मर, राम को भी स्मर, कृष्ण को भी स्मर, मोहम्मद को भी स्मर, यीशु को भी स्मर, सबको याद कर। श्रवण संस्कृति आसान है, ब्राह्मण संस्कृति ज्यादा आसान है, कठिन है स्मरण संस्कृति, क्योंकि वो तो कभी 700 श्लोक के बाद आती है, स्मृतिर लब्धा। गीता के 700 श्लोक सुने अर्जुन ने, तब कभी कहा मेरी स्मृति आई। ये स्मरण संस्कृति, परमात्मा करे बीच में हो और दोनों का जोड़ हो, दोनों को जोड़े। मेरी एक बात आपकी दुआओं से मैं कहता हूं कि दुनिया में यदि भगवान महावीर को समझना है, राम को समझना है, हनुमंत को, तो अध्यात्म को समझना है, तो सबसे एक प्रमाणिक डिस्टेंस रखो। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। व्यास पीठ के ये जो दो युवक बैठे हैं वो तो मुझे देखते हैं, मैं भी उसको देखता हूँ, लेकिन और वो व्यासपीठ के नींव में बिल्कुल और निकट आ जाएंगे तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं भी उसको नहीं देख पाऊँगा। देखने के लिए, दर्शन के लिए भी एक निश्चित डिस्टेंस आवश्यक, जिसको मैं साधु वो है सबके साथ एक प्रमाणिक डिस्टेंस रखे। दुनिया तो विचित्र है ना साहब, किसी को भी किसी के संगठन के साथ, किसी संस्था के साथ, किसी विचारधारा के साथ जोड़ना दुनिया के लिए तो क्या ये मुखौटों वाली दुनिया है, जोड़ देती। लेकिन साधु वो है जो असंग है, जो कल भी हमारी चर्चा चल रही थी, अब पवन सा, भगवान महावीर ने जो साहू की व्याख्या की, साधु की व्याख्या की, पवन सा असंग, असंग असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्तवा। एक असंग, एक ऐसा शास्त्र है, मैं शस्त्र नहीं बोलूंगा, भले शस्त्र लिखा हो, शस्त्र शब्द से ही मुझे परेशानी है, परमात्मा करे दुनिया में कहीं शस्त्र न हो,
शस्त्र मुक्त जगत हो। मैं कल भी स्पर्श करके निकल गया, मैं तुलसी को गाता हूं, तुलसी की रोटी खाता हूं, तुलसी की चौपाई हमारा जीवन है, फिर भी तुलसी कृष्ण को झुके तो कहे धनुष मान लो हाथ, मुरारी बापू झुके तो कहे राम धनुष निकाल दो हाथ में फूल ले लो, अब हिंसा आवश्यक नहीं। अब सीधी से देखो तो तुलसी से मैं जरा दूसरी छोर पर चला गया, ये मेरी निजता होनी चाहिए, उसमें तुलसी नाराज नहीं होंगे, तुलसी वाले नाराज हो सकते हैं। तुलसी वाले नाराज हो सकते हैं जो तुलसी को केवल दृढ़ता से नहीं जड़ता से पकड़ते हैं। हम धर्म को दृढ़ता से पकड़ो, जड़ता से मुझे धनुष्मान वाला राम राज नहीं, इसलिए हमने मंदिर में मां मूर्ति बिठाई थी धनुष्मान वाले की, निकाल दी। अब हमारा राम घर में बैठा है, ऑपरेशन करके डॉक्टर आता है ना घर में, तो हाथ में वो छुरी कांटा छाकू लेकर नहीं आता, सब रख देता है, क्योंकि घर में राम अब घर में बैठा है, घट घट में बैठना चाहिए, और वहां राम घट में बैठे तब हथियार लेकर बैठे, वो आज की 21वीं सदी को रास नहीं आएगी। इतने शस्त्र खरीदे जा रहे हैं, इतने शस्त्र के सौदे होते हैं मैत्री के नाम पर, जगत भर में पाखंड चल रहा है। सोचो 2500 साल पहले इस भूमि पर अभी भी जिसकी रज पड़ी है, अभी जिसके अणु परमाणु हमें और आपको आह्लादित करते हैं कि कैसे कैसे घूमे होंगे भगवान महावीर। एकमात्र अहिंसा जिसका धर्म है, शस्त्र शस्त्र शस्त्र, और शस्त्र से शांति आ जाए तो खूब लो, लेकिन आई तो नहीं, शताब्दियां बीत गई, युगों से संघर्ष चल रहा है। तो मुझे रास नहीं आया, तो फिर कुछ धर्मावलंबियों ने थोड़ा, मुझे तो हनुमान जी की कृपा आपका आशीर्वाद है, तो कोई मुंह पर नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर तो कहते कि ये मुरारी बापू क्या करता है, धनुष्मान राम के हाथ में से। मैंने कहा ये मेरा राम है, मेरे राम के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा राम तुम्हारा राम है, मेरा राम रखे हाथ में फूल, धनुष्बाण नहीं। और राम का रामचरितमानस में भी जो धनुष्बाण है ना, वो असली शस्त्र नहीं है। आप बिना रामायण पढ़े लोग कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं राम हिंसा करते थे, ना समझ लो। अभी कई कई विचारधारा को 100-200 साल ही हुई है, बच्चे हैं पलने में, अभी अभी दूध पीते हैं, वो भी चर्चा करते हैं कि भगवान राम ने हथियार रखा, हमारे भगवान ने तो कह रहे, अभी 100-200 साल हुई है, बच्चे हैं दूध पीते, बॉटलू में दूध पीवे छे, वो कहते हैं हमारे। अरे आपने कभी रामचरित मानस खोला है? मानस में लिखा है कि राम के हाथ में बर विज्ञान कठिन को दंडा। तुलसी कहते हैं धनुष कौन है? श्रेष्ठतम विज्ञान ही धनुष। भगवान महात्मा गांधी जी ने कहा था, संवेदना हीन विज्ञान सामाजिक पाप है। 7 पाप विश्व बंद अहिंसा के पुजारी गांधी बापू, जिसकी जन्मतिथि की तारीख को पूरी दुनिया ने अहिंसा दिन के लिए के नाम से कबूल किया है, 2 अक्टूबर। तो मेरे कहने का मतलब, जो विज्ञान संवेदना शून्य हो जाए वो सामाजिक पाप है। गांधी बापू, राम के हाथ में जो धनुष है वो विज्ञान है, वर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान। श्रेष्ठ विज्ञान मानी संवेदना युक्त विज्ञान, जोड़ने वाला विज्ञान, तोड़ने वाला नहीं। और बाण क्या है? समजम नियम शील मुख, जो भगवान महावीर दूसरा धर्म कहते संयम। राम के निशंग में जो बाण है वो किसी को मारने के लिए नहीं, संयम उनका नाम है, संयम बाण है।
ऐसा तुलसी ने लिखा है। राम के हाथ में धनुष बाण, हमको रास नहीं आया। मेरे राम खुश है बिना धनुष बाण के। मैं जब भी रोज तलगाजड़ा में रहता हूँ दर्शन करना, तो मैं मन ही मन पूछता हूँ, ठाकुर जी ठीक हो? बोले बहुत बेटा, तूने अच्छा किया, ये मेरे कंधे पर दुनिया ने कब से वजन डाला था तूने ले लिया, तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसा वो बोलते हैं। आप कहे बोलते हैं कैसे, तो टैप कर लो ना, वो टैप मेरे अंदर होता है, वो आप बजा नहीं सकते, आपके पास ऐसा कोई टैप रिकॉर्डर नहीं है। शिव 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 शिव। आलोचना तो होती है। धनुष्वाण अवतारों के हाथ में अब जरूरी नहीं है। माँ, मैंने चोटीला में कथा की, चोटीला सौराष्ट्र में, वहां चामुंडा माता विराजमान है और चामुंडा माता को लोग बलि चढ़ाते, ठीक है। ये देश से निकलना चाहिए, हिंसा धर्म के नाम पर खत्म होनी चाहिए। ये क्या ना समझी और मूढ़ता की परंपरा। तो हमारे यहां जो दुर्गा सप्तशती में जो आता है ना कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता आदि आदि बहुत है, विद्या रूपेण फला रूपेण फला। तो उसमें आपकी शुभकामनाओं से संतों से आशीर्वाद पाकर मैंने उसकी भी थोड़ी चर्चा हुई लेकिन फिर खत्म हो गई। उसमें मैंने जोड़ा कि अब ये सूत्र आना चाहिए कि या देवी सर्वभूतेषु अहिंसा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सूत्र पर मैं गला फाड़ फाड़ कर गाया मैंने कि अब ऐसी देवी हमें चाहिए जो अहिंसा रूपेण। अब काय को हिंसा, क्या हिंसा, क्या मारना, किसको मारना, दुनिया शस्त्र से मुक्त हो जाए। लेकिन हमारी वृत्ति गुण दोष से सटी हुई है, कभी हमारे में आसुरापन असुरपना बढ़ जाता है, कभी सूरपना बढ़ जाता है। इन 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 अनबैलेंस वृत्ति के कारण हिंसाएं प्रकट हो, उसको कोई सम करे प्रमाणिक डिस्टेंस। एक केशुभाई देसाई ने एक कविता छे, अर्धो हूं कागड़ो न अर्धो हूं हंस छू, अर्धो हूं कानजी न अर्धो हूं कंस छू। कितनी सार्व गुजराती में केशुभाई की कविता है, अर्धो हूं कागड़ो छू विधि प्रपंच गुण अवगुण मने गमतु जाजर उतारा संग ले कंपोज करे। काले कविता दिन था ना, ये केशुभाई की कविता गुजराती में छे, थोड़ा सहन करना, थोड़ा गुजराती भाषा आप समझ लोगे, बहुत सरल है। और हिंदी भाषी लोग सब मुझे कहते हैं बाप, मैं जब पूछता हूँ गुजराती में बोलता हूँ, गुजरात में कथाएं होती है, बिल्कुल तलपदी भाषा में बोलता हूँ, ठेठ की गुजराती। कभी कभी तो साक्षर लोग गुजराती साक्षर भी मेरी भाषा नहीं समझ पाते, ऐसी ठेठ की गुजराती बोलता हूँ। और मेरे हिंदी भाषी लोगों को पूछता हूँ, श्रोता हूँ कि आप गुजराती, तो बोले मैं बापू आपकी गुजराती समझ में आती है। जब व्यासपीठ अपनी हो जाती है ना, तब कोई भी बोली बोलो समझ में आ जाती है। माँ बोलती है बच्चा किस कौन सी भाषा में, जर्मन में बोलती है माँ, फ्रेंच में बोलती है, अंग्रेजी में बोलती है, पलने में बच्चे को डालकर माँ कौन भाषा बोलती थे, तो बच्चा भी बोलेगा काम हो जाता है। अपना है, मेरी मां बोल रही है,
और माँ को लगता है मेरा बच्चा सुन रहा है, तो हूँ एक विश्राम की चौपाई बन जाती है, एक विश्राम की शब्दावली बन जाती है। तो बाप दो लाइट है, शिव 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 शिव, ए जी अर्धो हूँ कागड़ो ने, अर्धो हूँ कंस छो, अर्धो हूँ कागड़ो ने, यानी कवि कहता है, सर्जक कहता है, मैं आधा कौवा हूँ आधा हंस हूँ। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना तुलसी कहते हैं सब सटे हुए। अब आप बधा गाओ, गाना कोशिश करना, गुजराती लोग तो गा सकेंगे, अब सब भी गाना। शब्द है अर्धो हूँ कागड़ो अने अर्धो हूँ हंस छू, ठीक है, आधा कौवा आधा हंस। अर्धो हूँ कागड़ो ने अर्धो हूँ हंस, जावा दो जय माले, अर्धो हूँ कागड़ो ने अड़धो छू कान जीन, अड़धो हूँ कंस छू, अड़धो छू कान जीन, अड़धो हूँ कंस छू, अड़धो हूँ कागड़ो ने अड़धो हूँ कंस छू, अड़धो हूँ कागड़ो ने। उग्यो छुआ भले कहीं अजवाड़ा वाववा, उग्यो छुआ भले कहीं अजवाड़ा वाववा, अड़धो चांदलियो ने अड़धो अवतंस छू, अड़धो चांदलियो ने अड़धो अवतंस छू, भीनो भीतर बारे कोरो धाकोर छूं, भीतर भीनो बारे कोरो धाकोर छूं, अर्धो वरसाद अर्धो छप्पनियो दंश, अर्धो वरसाद अर्धो छप्पनियो दुष्कार, अर्धो हूँ कागड़ो अर्धो हूँ कंस छू, अर्धो छू राज राजवी अर्धो अवधूत छू, ब्रह्मांडो सर्जनारो पंडे निर्वंश छू, ब्रह्मांडो सर्जनारो पंडे, बहुत सुंदर, पंडे निर्वंश छू, तेरा कोई वारसदार नहीं, एक तू ही तू, एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम निर्वंश, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आपने। अर्धो छू राजवी अर्धो अवधूत छू, ब्रह्मांडो सर्जन आरो पण पंडे निर्वंश छू, अर्धो शैतान अर्धो अल्लाहनो दूत छू, अर्धो संस्कृत छू अर्धो अपभ्रंश छू, वाह साहब, अर्धो संस्कृत छू अर्धो अपभ्रंश छू, अर्धो हूँ कागड़ो अने अर्धो हूँ हंस छू, अर्धो श्यामलशाह अने अर्धो नरसिंह छू। आहा क्या बाप बेटे की बात कही, ऐसे तो ईश्वर और भगत की बात कही, श्यामलशाह शेठ और ठाकुर नरसिंह, तो अर्धो अर्धो श्यामलशाह ने अर्धो नरसिंह छू, तुलसी सुरदास अर्धो मीरा नो अंश छू, पूरण ने पामवाना फाफा शू मारवा। उस दिन मैंने गजल के एक शेर सुनाया था ना कि मुझे अधूरापन मुझे रास आ गया, मुझे अधूरापन में कोई नहीं, तो जो मुकम्मल होना चाहता है वो मेरे साथ न चले, मुझे मेरा अधूरापन मेरी कमजोरियाँ वो भी मुझे ठीक है, मैं रास है हम जंतु है। पूर्ण ने पामवाना फाफा शू मारवा, अर्धो तो अर्धो पण हूँ तारो वंश छू, अर्धो तो अर्धो पण हूँ तारो अंश छू, तारो जीव छू तारो छू। आ जगत वृत्ति कभी सूरी कभी आसूरी,
वृत्ति के कारण ऐसा होता है। जब समता आ जाएगी तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब शस्त्रों की जरूरत नहीं है दुनिया में। नहीं, परमात्मा करे यूनो की बिल्डिंग से ये मैसेज निकले कि 10 साल शस्त्र बिल्कुल बंद, 10 साल के बाद दुनिया में शांति ना आए तो फिर उठा लेना शस्त्र। हाथ मिलते हैं मैत्री के, कपड़े में यही दोनों हाथ शस्त्र के सौदा करते हैं। कल्पना तो कीजिए ये दुनिया की दशा क्या है। वैसे मिलते हैं हाथ, फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते। बशीर भद्र साहब का शेर है शायद, फासले सदियों के एक लम्हे में, एक क्षण में, फासले सदियों के एक लम्हे में तय हो जाते। दिल मिला लेते अगर हाथ मिलाने वाले, हाथ मिलाने वाले अगर दिल मिला लेते, हृदय एक हो जाते तो सदियों के फासले एक क्षण में खत्म हो जाते। अब तो बहुत सब खुश है। ये हनुमान जी के पास जो गदा है वो गदा भी हमने हटा दी। हनुमान को कहा अब तू गदा मत रख, तू शांति रख। हनुमान जी को मैं कहता हूँ शांति रखो बाबा, बाबू गदा रहवा दो, क्योंकि मैं तुझे अरहंत कहता हूँ, मेरे शब्द की इज्जत रखना। आदि अनादि अरहंत है तू मेरा, कुमति निवार सुमति के संगी, तू ये तत्व है। तो हमने फिर गदा की आदत तो लोगों को हो गई, तो शेप गदा का रखा। आप तिलका जड़ा आकर देखिए, ये गदा नहीं है, सितार है। शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत वाद्य हमने हनुमान जी के पास, कि अब तुम्हें मौज आए, अकेला पर्दे में हो तब सितार उठा करके कोई राग बजा लेना, बाकी दुनिया में विवाद न हो कोई कोई द्रौपदी, ऐसा कदम हो लिया है। तो हिंसा मानी क्या, अहिंसा मानी क्या। तो राम के हाथ में जो धनुष है वो श्रेष्ठ विज्ञान है, बर विज्ञान कठिन को दंडा। जब धर्मरथ का वर्णन करते हैं तुलसी लंका कांड में, तब ये सूत्रपात हुआ है। और सम जम नियम सील मुख नाना, बिरति चर्म संतोष कृपाण। शस्त्र के नाम है सब, लेकिन कौन सी शस्त्र। ये बाण है तो क्या, संयम का बाण, और कोई बाण नहीं। संयम तवो तप, तो मुझे कुछ कहने दो, मानना नहीं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देना बस। इस कथा से तो आपको यही करना है, एक कान से सुनना है। प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पैसों के लिए, प्रभाव डालने के लिए समक्षेत्री जब किसी की नकल करता है वो हिंसा है, वो हिंसा है। सब अपने आप में निजता में क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डर है कि थोड़ा उधार लेंगे तो ही जमेगा। मैंने देखा लोग वेश में भी नकल करते हैं, वृत्ति में भी नकल, कार्यक्रमों में भी नकल, यहां तक कि हमारी व्यासपीठ की नकल होने लगी है कि ऐसी ही व्यासपीठ करो, ऐसी करो, प्रोग्राम भी नकल। हिंसा है, और दुनिया तो अब क्या साहब, सबको फोटे खींचवाने हैं, कहीं भी दौड़ जाते हैं, कहीं जाने की मना नहीं है, लेकिन अंदर की वृत्ति को तो कथा सुनते सुनते जरा समझने की कोशिश तो करो। इसलिए कहता हूं मौलिकता अहिंसा है, नकल
हिंसा, क्या जरूरत है? तीन लोग काले वस्त्र काली शॉल रखते थे, कृष्ण लेने दारी कामली ने लेने दारी गायो चरावा नहीं जाओ मावलड़ी, यू एक गीत है तू अपने हाँ लेने तारी लाकड़ी ने यू कृष्ण के लिए कहा जाते हुए काली कमली। और दूसरी गीता अर्जुन को दी, पादुका उद्धव को दी, बांसुरी राधा को दी, मैं कह रहा था आंसू नंद बाबा को दिया। स्मृति इति संस्मृत्य संस्मृत्य श्रीमद् भागवत। इसलिए मेरे विचार, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मेरी जिम्मेवारी कि श्रवण संस्कृति और ये ब्राह्मण संस्कृति के बीच में होनी चाहिए स्मरण संस्कृति, जो कभी देर से किसी के प्रसाद से आती है। स्मृतिर लब्धा, तेरी याद आ गई, और जब परम की याद आएगी ना तो उसको श्रवण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति में भेद नहीं दिखाएगा, उसको लगेगा कि दोनों ट्रैक अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं, हम उस पर गति करें, बीच में जोड़ हो। स्मरण संस्कृति, स्मरण संस्कृति याद रखिएगा। तुलसी अपनी बोली में बोलते हैं, शास्त्र जब विराम लेता है तब राम ही सुमिरी, स्मरण संस्कृति है। जब तब सुमिरन भजनन, स्मरण अर्जुन कहता है मुझे स्मृति आई, स्मरण हमें दूसरों की उधार की क्या जरूरत है? तो कृष्ण का स्मरण मैं कर रहा हूं कि काले रंग का मुझे वहीं से मिलता है कि कृष्ण रखते थे, सुना है कई चित्रों में भी देखा है, सूफी लोग रखते हैं, सुफ मान्यून उनी शॉल काले धाबले रखते थे सूफी लोग। और फिर जिस कृष्ण ने आवाज मीरा को दी थी, ऐसा मैं मानता कि मीरा गीता के शब्द तो को मैं अर्जुन को देता हूँ, लेकिन आवाज तुम्हें दे रहा हूँ कि जब मेवाड़ में जाए, मेड़ता जाए, राजस्थान में जाए और तो गाए, तो लोग तो कहेंगे कि मीरा गा रही है, लेकिन आवाज तो गोविंद की होगी, आवाज दी थी मीरा। नंद को दिए थे आंसू, व्रजांगनाओं को दिया था विरह, रुरुदुः सुस्वरम राजन, हे परीक्षित दिगंबर अवधूत सुखदेव जी कहते हैं ये गोपीजन, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन विरह गोपी जनों को दिया था। हमारे कच्छ के एक भक्तराज थारा भगत ने कृष्ण विरह का एक गीत लिखा, श्याम विना व्रज सूनु लाला। मोहब्बत और मौत दोनों को अपनी अपनी रीत है, मोहब्बत और मौत को दोनों को अपनी अपनी फितरत है, एक को दिल चाहिए दूसरे को धड़कन चाहिए,
मोहब्बत कहती है दिल चाहिए, मौत कहती है तेरी धड़कन छीन लूं। फितरत ही एक है, मोहब्बत और मौत की एक ही फितरत है, एक को दिल चाहिए एक को धड़कन चाहिए। श्याम वीणा ब्रज ये मेरी मौलिक अदा है, उसकी भी नकल है, हिंसा हिंसा दिल्ली तक। श्याम वीणा ब्रज ए जियो धाजी हम को न भावे, ओ धव जी हम को न भावे। श्याम बिना श्याम बिना ब्रज तो मीरा मैं ऐसे बर को क्यों मर, चुंदरी चुनरी ओढ़ू तो रंग चुवे रंग बिरंगी हो, मैं तो ओढ़ू काली कामली जिसमें दूजो रंग चढ़े। तो मीरा के बारे में काले रंग की कमली की बात है। और दूसरी हमारी जोग मायाएं जो कि विशिष्ट नाम से काले रंग की चादर रखती थी जिसको भेड़ियो कहती है, बाकी काला रंग पहले तो सब लीले और लाल रखते थे। याद करो पुराना, ये तो बाद से परंपरा चली है साहब, बाकी जोग माया रखती थी। ए जीव गमना उड़ा वाली ए भजातन भेड़िया ए सोनल माँ कपाली ए भजातन एक ही क्षेत्र के लोग प्रतिष्ठा पैसा प्रसिद्धि और प्रभाव के लिए किसी की नकल करें तो वो हिंसा है, मौलिकता अहिंसा है। दूसरा, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, परम मंगल धर्म है, ऐसा भगवान महावीर कहते हैं, ऐसा काकभुसुंडी कहते हैं रामचरितमानस में। माँ मुझे कल कहे कि बापू ज्ञान से मोक्ष होता है, फला से मोक्ष होता है, ये आपने कहा, ये तो शास्त्रों मर्द मानस में भी लिखा है, ज्ञान मोक्ष प्रदभेद बखाना, ज्ञान मुक्ति दाता है, ज्ञान से मुक्ति मुक्ति मुक्ति, लेकिन मुस्कुराहट भी मुक्ति है ऐसा जब कहा तो माँ को अच्छा लगा कि ये भी अच्छा है कि किसी के सामने देख कर मुस्कुरा देना मोक्ष नहीं तो क्या है। मेरे भाई बहन कोई मिले और आप उसके सामने मुस्कुराओ ही ना तो हिंसा है, चिड़चिड़ मुंह चढ़ाए। मैं यहां कुछ बिलग ही देखता हूं माँ, इसलिए मुझे बहुत आनंद है, यहां कुछ बिलग देख रहा हूं, ये कोई मैं बोल बोल कर कोई आपको मैं कुछ नहीं चाहिए और मुझे तो आप आशीर्वाद दे वही पर्याप्त है। ठीक है, आपको क्या चाहिए मेरे से, मेरी व्यासपीठ से, लेकिन दिल में अच्छा लगता है
आपकी संस्था जो काम कर रही है, आपकी संस्था के श्रेष्ठीगण, आपकी संस्था में जो जो श्रेष्ठ लोग, वो सब आपके साथ, आपका आपके पीछे पीछे चलकर आपके आदेश पर काम करें। मुझे सब अच्छा लग रहा, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आपके पीछे पीछे इस भाव से सेवा में चले। आपकी पूरी संस्था के नायक लोग, जो गणमान्य लोग, ये भी ये अच्छा वातावरण है मेरी दृष्टि में, मैं सराहूंगा, अच्छा लगता। वरना मैंने देखा है कि आप लाख हाथ जोड़ो, कोई हाथ नहीं जोड़ता। हिंसा है, बोली है, बुरा मत लगाना, बोली है। मैं तो थक गया हाथ जोड़ जोड़ कर। कहा तो शुक्र। अब इसका दो अर्थ होता है, एक तो आशीर्वाद, दूसरा रुको, निकट मत आओ, रुको रुको, दूर रहो। समाज को दूर रखा धर्म ने, वो धर्म हिंसा है। जो सोचे थे छोटी व्यक्ति को गले लगाए, वो अहिंसा है। मुस्कुराओ, किसी को एक दूसरा मुस्कुराहट वाली बात, यदि तुम मुस्कुराओ ना तो हिंसा है। याज्ञवल्क के सामने जब भरद्वाज जी ने राम कथा के बारे में पूछा, जो कल कथा का क्रम था, तो याज्ञवल्क नाराज नहीं हुए। उसने क्या पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जाग बलि कबूले मुसुकाई, पहले मुस्कुरा दिया। और राम के बारे में कहा जाता है कि राम के सामने कोई आते तो पहले मुस्कुराहट आती थी, उसके बाद प्रभु के वचन निकलते थे। मुस्कुराना, कोई तुम्हें इतना आदर दे और तुम मुस्कुरा भी न सको तो हिंसा है। तीसरा, तुम्हारे धर्मस्थान में अथवा तुम्हारे स्थान में अथवा तो तुम्हारे पास कोई आए और आप कहे कि नहीं दूर रहो, आप छू नहीं सकते, तो यह हिंसा है। शताब्दियों से, युगों से इस देश की सभ्यता ने मार खाया है कुछ लोगों को दूर रखने के कारण। आप अंदर नहीं आ सकते, आप निकट नहीं आ सकते। विरायतन ने किसी को अस्पृश्य नहीं समझा, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। और लोगों की मानसिकता शताब्दियों से ऐसी कर दी गई कि अब लाख आप कहो कि नहीं आप मंदिर में अंदर भी आ सकते, तो भी वो कोई समाज, जो आखिरी समाज, जो दलित है, जो वंचित है, जो अभावग्रस्त है, जो दीनहीन है, जिसको कभी धर्म ने अथवा तो तथाकथित धर्माचार्यों ने दूर रखने की कोशिश की है, वो लोग आज भी संकोच महसूस करते हैं। मेरे गांव में, जहां मैं अभी राम मंदिर की बात कर रहा था, वहां सबको छूट दे दी है कि आप अंदर जाकर भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकते हैं, कोई भी। आज भी मैं जब रोज जाता हूं दर्शन के लिए, जब तलगाजड़ा में रहता हूं, तो मेरे गांव के जो दलित लोग हैं, जो हरिजन भाई बंधु भाई बहन है, वो भी सीढ़ी पर बैठकर प्रणाम खड़े लेकर। मैंने कहा क्यों आप नहीं जाओ, मैं उसका हाथ पकड़ कर कहता हूँ अंदर क्यों जाओ, जाओ अंदर, जहाँ तक पुजारी जाता है तू भी जा। बोले नहीं बापू, हम नहीं, बस आपने इतना करने दिया। बोल, लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई कि हम कैसे जा सके। धर्म को बहुत संशोधन करना पड़ेगा और स्मरण संस्कृति लाओ कि राम शबरी के जूठे बैर खाते थे, भगवान महावीर वो उड़द खा गए चंदन बाला के,
ये स्मरण संस्कृति लानी पड़ेगी। भगवान राम इस अछूत दीनहीन दलित केवट के पास जाते हैं, जिसको कोई छू ले तो लोग तीन तीन बार स्नान करते हैं, उसके सामने राम ने पैर रख दिया और कहा कि धोले पूरा का पूरा। ये स्मरण संस्कृति फिर से बीच में लानी होगी। जोड़े रखे स्मरण, जोड़े रखे। भगवान राम ने बंदरों को अपनाया, भगवान राम ने कौल किरात को अपनाया, भगवान राम ने समाज जिसको पतिता कहती, खुद भी हार गई थी कि मैंने भूल कर दी, ऐसी अहल्या के पास जाकर सामने से उसको जगाया कि अहल्या जाग, तुझे कोई कबूल न करे तो हूं, तो मैं तो हूं। समाज के पास विचारक बहुत है, उद्धारक भी है, स्वीकारक कोई नहीं है। विचारक तो बहुत है, विचारते हैं, सोचते हैं, उद्धार भी करते हैं, लेकिन स्वीकारने की बात आती है तब कठिन आए। राम ने शबरी को स्वीकारा, अहल्या को स्वीकारा, कृष्ण ने उसकी जेल से इतनी इतनी अबलाओं को उद्धार भी किया और कोई इन महिलाओं को नहीं स्वीकार, तब कृष्ण ने दुनिया में कलंक वहर कर उसका स्वीकार भी किया। आदमी स्वीकारक होना चाहिए। गांधी थे स्वीकारक, विनोबा थे स्वीकारक, जयप्रकाश थे स्वीकारक, हमारे शब्द सेवी थे स्वीकारक। स्वीकारो, मेरा तो एक मंत्र जैसी, ये व्यक्तिगत रूप में कहता हूँ, आप मेरे हैं इसलिए बातें कर रहा हूँ, बाकी कोई अन्यथा मत लेना, कि मेरा तो एक जीवन मंत्र है कि मेरी व्यासपीठ किसी को सुधारने के लिए निकली ही नहीं, सबको स्वीकारने के लिए निकली है कि तुम जैसे हो आज। सुधारने का कोई मैंने ठेका थोड़ा लिया है, सुधारने गए वो सब मार खा गए, कोई सुधरा नहीं है। प्रेम करो, मोहब्बत करो, दुनिया को प्यार करो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, ये करो। किसको किसको सुधार, स्वीकार करो। बुद्ध के पास कोई जाता था और कोई निकट का भिक्खु कहता कि ये बड़ा बड़ा वो है, वो बड़ा है, वो पापी है, फला है। बुद्ध ने कहा तू ये तो, भगवान महावीर सर्वज्ञ है, बुद्ध सर्वज्ञ है, नारद सर्वज्ञ है, परम तत्व सब सर्वज्ञ। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि तूने तो अभी जाना, मैं पहले से जानता हूं, इतना बुरा होते ही मेरे पास आया है तो अब मेरा कर्तव्य है, जैसा भी है मैं उसको स्वीकार करूं, मैं कबूल करूं। स्मरण संस्कृति स्थापित की जाए कि हमारे पूर्वजों ने संजानाना उपासताय, भगवान वेद कहते हैं, कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम, संग संग चलो, संग संग गाओ, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी रूप में जाते थे और सबका स्वीकार करते थे। सबको नहाना चाहिए, लेकिन कोई यदि नहाता नहीं तो नहाने वालों को कोई अधिकार नहीं कि उसको तुम हल्का समझो। नहाना चाहिए जरूर, लेकिन नहीं नहाया है बेचारा, मजदूरी करता है, खेत में है, पानी की मुश्किल है। ये मैं बीच में संदर्भ आया तो होली का त्यौहार, अब आज से तो होली, कोई कल करेंगे, कोई परसों जो कर, लेकिन पानी का बिगाड़ मत करना, ऐसे रंग बंग केमिकल्स दूसरों की आंखों में मत डालना ताकि बीमारी बढ़ जाए, किसी की आँख को नुकसान हो जाए, किसी को तकलीफ हो जाए, अस्वच्छता मत पैदा। होली जरूर खेलना, मुबारक हो होली, लेकिन कीचड़ और क्रूड और ऑयल और ये ऐसे ऐसे विभत्सता ना आ जाए उसका भी ध्यान रखना, वातावरण स्वच्छ रखना, बाकी होली जरूर खेलना। मुझे आज चिट्ठी आई, बापू आप होली खेलोगे, मैं रोज यही धंधा करता हूँ, ये मेरी रोज होली है, ये होली बुक है मेरी, रामचरितमानस होली बुक है, पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ है। पिचकारी कभी कभी कुछ लोग मुझे पूछते तुम्हारे राम ने कभी होली खेली कि नहीं, अरे
कृष्ण तो खेलता है, वो तो जग जाहिर है, ये आदमी तो गजब का है, खेलता है, लेकिन राम खेले वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों की पिचकारी भिन्न थी। अब पिचकारी से होली खेलो तो पानी का टोपो, पिचकारी झुके, ठीक है, अंदर, फिर ठीक है, फिर करते हैं ना लोग, जो पुरानी पिचकारी हो, जो बांस की हम हाथों से बना देते थे और केसुड़े के फूल डालते थे थोड़े, और पानी ही तो उस समय में तो पानी और थोड़ा रंगीन, और बस उसको डुबो, ऐसे खींचो, ये जो लकड़ी का वो होता है उसमें गाभा लपेटा हो, डट्टो करो, ऐसे ऐसे खींचे, और फिर छगनो मगनाने नाकेन, मगनो छगनान नाकेन पोपटियो, छोटू नाकेन, छोटू मोटू नाकेन, ए आनंद आनंद होली खेलत नंदलाल मोहे। कंकरिया मोहे मारी गगरिया करिया बोले मारी गगरिया बोले ओ गगरिया बोले ओ गगरिया बोले मोरी सारी अनारी भिगोई घट बे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे मन घट बे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे मन ऐसे डाला ऐसे क्या ऐसे करते थे राम क्या करते थे धनुष लिया बाण चढ़ाया और जिसको मारा उसको वैकुंठ दे दिया, इसको निजपद दे दिया, उसको सारुज्य दे दिया, सारुप्य दे दिया, सायुज्य दे दिया, अपने स्वरूप में समा दिया। एक कल्याण की होली, एक परम पद की होली। तो पानी का ज्यादा बिगाड़ न हो, प्रदूषण को संभाले रखे, पर्यावरण को संभाले रखे, पूरे देश को भी, मैं ये प्रसंग आया तो कह दूँ पूरी दुनिया को कि हम पर्यावरण का बहुत जतन करें और ऐसे खेलें कि किसी की तबीयत किसी को तकलीफ न पाए और होली के कारण कोई संघर्ष पैदा न हो जाए और अकारण कोई कोई गड़बड़ न हो, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो नहाना चाहिए, लेकिन कोई यदि बेचारा नहीं नहा पाया तो वो हल्का हो गया। मेरी तो व्याख्या इतनी है कि दूसरे को जो हल्का समझे उसके समान दुनिया में कोई हल्का है ही नहीं। सब अपने आप में एक शिखर है, सब एक ऊंचाई पकड़े, उसको पता नहीं, भगवान महावीर को पता हो गया, इतना ही फर्क है, बाकी सब अपने आप में महान है, कौन यहां तुच्छ है। धर्म और जिसने जाना नहीं है ऐसे धर्माचार्य, अथवा तो कुछ 21वीं सदी में प्रासंगिक न हो ऐसे धर्म ग्रंथ यदि दूसरों को दूर रखे तो हिंसा है। सबका स्वीकार करे वो अहिंसा है। कैसे हो कबाए बीवी बच्चे ठीक हैं, कैसा कामकाज चलता है, ऐसा बाहर से बोले और जैसे वो उधर जाए और वो उधर जाए और कहे कि ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से ये कहना पीछे से एकदम द्वेष रखना हिंसा है। सोचिएगा। और पांचवा राखी सूत्र हिंसा का व्यासपीठ का,
एक की शरणागति लेने के बाद दूसरे की दाढ़ी में हाथ रखना हिंसा है। एक शरणागति, एक ही बार शरणागति, जिस शरणागति की चर्चा भगवान महावीर ने भी की, अरिहंत की शरण में कबूल करता हूं, सिद्धों की शरण, साधुओं की शरण में कबूल करता हूं, जिसको व्यभिचारी बुद्धि कहते हैं भगवान कृष्ण, भटकती बुद्धि, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और हम जीव है, हमारी इस स्थिति है क्योंकि हमारा भरोसा जड़ है, आशा से आबद्ध है, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो हमारा भरोसा डिग हिलने लगता है, उसी को व्यासपीठ जड़ भरोसा कहती। दृढ़ भरोसा कुछ भी हो जाए, जिसकी शरण पकड़ी है, मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन भरोसों को नहीं मरने दूंगा, यह है दृढ़ भरोसा। हमारी श्रद्धाएं तो ऐसी होती हैं साहब, तो मेरे भाई बहन, और भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की परिभाषा, उसकी बहुत सूक्ष्मतम व्याख्याएं हुई हैं, कुछ कुछ मैंने पढ़ा है, संतों से महापुरुषों से सुना भी है, थोड़ा गुनगुनाया भी है, थोड़ा समझने की गुरु कृपा से कोशिश की। सीधा सीधा किसी को मार देना वही हिंसा है, वो तो है ही, मारना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन इतने से अहिंसा सिद्ध नहीं होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, और तुलसी कहता है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर चलते राह ये भी कह दूं, कि अपने आप को दूसरों के साथ नापते नापते निरंतर दीनहीन समझना, वो भी हिंसा है। क्यों अपने आप को दीनहीन समझते हम सब उनके एक हीनता भाव, हम तो ये हम। हां, भक्ति मार्ग में, शरणागति के मार्ग में जरूर हम कहे कि हे प्रभु तू समर्थ है असर, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तौर पर हम दीन है, हम पतित है, ये बात छोड़ो।
कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी एक छोटी सी बात, गुरुदेव टैगोर तुलसीदास जी के बारे में, कि एक महिला का पति मर गया, बेचारी रो रही थी, उस जमाने में तुलसी के जमाने में, अब क्या किया जाए, दीनहीन हो गई, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तुलसी के काल की बात, टैगोर की कल्पना हो या कुछ भी हो, प्रेरणा देती है। तुलसी का चरण स्पर्श करीब करीब सबने किया है। हरिवंश राय बच्चन तुलसी की बात लिख गए, कई जैन आचार्य मुनि जब कहीं पढ़ता हूं सुनता हूं, कोई किताब मुझे देता है तो देखता हूं, तो मैं पाता हूं जो बहुत विशाल है, विशाल ही है, लेकिन और अधिक विशाल जो है वो तुलसी की चौपाइयों को कोट किए बिना नहीं रह सकते, तब मुझे लगता है कि पगे लागो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, तुरंत तुलसी की चौपाई आ जाती है साहब मुद्दे पर। तो भगवान बुद्ध देव कहते हैं, टैगोर कहते हैं कि तुलसी का नाम किसी ने दिया, कि वो कुटिया पर तुलसी रहते हैं, बड़े महात्मा है, राम दर्शन पाए हुए हैं, और तू उसके पास जा, वो गई, रोने लगी। नरसिंह मेहता का पद आप जानते हैं, गांधी जी ने जिसको विश्व विख्यात कर दिया, वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पर आई जाने रे, तुलसी की आंख में भी जार जार आंसू बहने लगे। क्या है, बोले मैं आपके चरण छू सकती हूं? अरे मां जरूर आ, लगा कि उसको चरण छूने से संतोष हो जाएगा, उसका दुख कम हो जाएगा, तो मुझे क्या आपत्ति है, छू ले, छुआ। फिर पूछा कि आपने रामचरितमानस लिखा, उस सदग्रंथ को मैं छू सकती हूं? बहुत दीनहीन कुल से आती हूं। अरे मां ऐसा मत बोल, मेरी कुटिया के द्वार पर ऐसी बातें न की जाए, यहां कोई दीनहीन नहीं है, अपने को दीनहीन समझना ठीक नहीं है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मिदाल सा वाक्य मुवाच पुत्रम, सब शुद्ध है, सब बुद्ध है, सब परम को पाए, पहचान नहीं। तो बोले मां छू ले, ग्रंथ छू ले, और कोई काम हो तो कहो, मैं तो बैरागी हूं। तो कहा बाबा मेरा पति मर गया है, ये टैगोर की कल्पना हो तो भी प्रणाम करूं गुरुदेव को। तो कहा कि बहन एक महीना लगेगा, पति जीवित हो जाएगा। बोले उसका तो अग्नि संस्कार हो गया, कुछ भी हुआ हो, अब मेरे द्वार आई हो तो पति मिल जाएगा। सोचे कि फिर बुद्धि तर्क करने लगी कि ये कैसे हो सकता है, ये हो जाए तो कोई महत्व की बात, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, उस जमाने की बात है तुलसी की, बाकी आजकल तो कोई चाहते नहीं कि फिर जिए, तो चाहते कि गए झंझट। आज का दाम्पत्य सुशिक्षित दाम्पत्य है, सात सात जन्म की बात पहले होती है, सात साल बहुत है। एक भाई ने एक भाई से शिकायत की कि मैं दुखी दुखी हो गया, लेकिन क्या है यार,
अरे छोड़ नहीं यार, संसार दुखमय है, बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख के कारण है, दुख के उपाय है आदि आदि, आर्य सत्य की जो घोषणा की, यहाँ सब दुख है, दुखालयम है ये सब। अरे भाई है हम भी तो सब भोग रहे इसमें, तू इतना इतना इतना, अरे बोले दुख और कोई नहीं, रोटी खाते कमाते सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है कि कोई भी बात हो ना, मेरी पत्नी आर्ट आती है, बीच में आती है, बस बस थक गए, तौबा, बस बीच में ही आएगी, कोई भी बात काटो, कोई उपाय बता, तू सीनियर है, कहा कि काम क्या करता है, टैक्सी चलाता हूं, ट्रक ले ले, और ट्रक चला, कोई भी काम में आड़ी आती है ना, चला ट्रक, कोई भी काम में बीच में आती, ट्रक ले ले टाटा का, जैसे बीच में आई तेरी चिंता पूरी, सोच रही तुलसी के चरणों में बैठी उस महिला जो अपने आप को ग्लानी से भरी हुई, स्वाभाविक है, पति मर गया है, एक महीने में पति मिल जाएगा, भरोसा रख, बाबा है महात्मा है कुछ भी कर सकता है, चलो भरोसा रख लिया। लेकिन तुलसी ने कहा ये रामचरितमानस तूने छुआ है ना, ये तेरा है, ले जा तू पाठ करना, मास पारायण करना, टागोर कहते, और वो गई बड़ी श्रद्धा के साथ, सिर पर रामचरितमानस लिए, सीने से लगाए, बड़े अहोभाव से गई, स्वयं गोस्वामी जी ने मुझे सदग्रंथ दिया, और जाकर अपने घर में बस थोड़ा गोबर से लीपा अपनी कुटिया को, वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का पटर था, दो करके वहाँ रामचरितमानस रखा, एक जैसे तैसे कुछ तेल बेल का छोटा सा दीपक जलाया, और वहाँ बैठी और उसने रामचरितमानस का पाठ शुरू किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद साम भी मानस का, एक महीना मास पारायण किया, कथा पारायण पूरा हुआ, दहयंती नो मानवाः पाठ पूरा कर दिया, इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादन कहकर 705 पूरे किए, 30 दिन पूरे, अहोभाव से भरी हुई है, सिर पर रामायण का ग्रंथ लिखा रखा, और आनंद से भरी वो महिला एक महीने के बाद फिर बाबा तुलसी के पास आते, तुलसी प्रतीक्षा में कि क्या होगा, लगा कि ये तो डांटेगी कि हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन आकर फिर वो प्रणाम करती है, रामचरितमानस रखती है, और कहा कि तुलसी संकोच में कहा कि अब पति मिल गया, बोले मिल गया, मिल गया, तुलसी को भी आश्चर्य हुआ, मिल गया, मिल गया, कौन, बोले मुझे रघुपति मिल गया, और फिर तुलसी का अभिनय का पद मुझे याद आता है, बंदाओ बंदाओ रघुपति करुणानिधान, बंदाओ रघुपति करुणानिधान, रघुपति करुणा जाते छूटे भव
छूटे पति शाश्वत पति मिल गया। एक मास रामायण का पाठ करने से बोध हो गया कि यहाँ कोई भी हो एक बार जाने वाला है, लेकिन मुझे शाश्वत पति की प्राप्ति हुई है। टागोर ने लिखा, संदर्भ था अहल्या का, टागोर के जो अपने आप को दीनहीन मान चुकी थी, पतिता मान चुकी थी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक अनंत, गई पति लोक अनंत। अहल्या को मिला था सांसारिक पति, यद्यपि मुनि थे गौतम, लेकिन है तो संसार का संबंध था। अहल्या को धोखा दिया गौतम के रूप में देवतराज इंद्र ने, जूठा दाम्भिक पति का रूप लेकर आया, लेकिन आज सांसारिक पति नहीं, दाम्भिक पति नहीं, अहल्या को रघुपति मिल गए, परमात्मा तत्व प्राप्त। तो दीनहीनता छोड़िए, राम ने यह काम किया। दिन पर उपकार करना अच्छी बात है, लेकिन दीन जनों की दीनता का भाव उनके हृदय से निकाल देना परम उपकार, कि उसका उसकी दीनता का भाव ही खत्म हो जाए, उसका दैन निर्मूल हो जाए। तो आज तक शताब्दियां बीत गई तो भी लोग मंदिर में जाने से संकोच महसूस करते, हम हाथ पकड़ कर कहते हैं कि जहां पुजारी है वहां तक तुम जाओ, नहीं जाते। मैंने निर्णय बदल दिया कि ये लोग जहां तक आकर प्रणाम करें राम मंदिर में, वहीं जाकर मैं भी प्रणाम वहीं से करूंगा, मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाता, निज गुरु मेरा आखिरी आदमी जहां जा सके वहां मैं जाऊं, ये मेरा क्रम, मुझे कौन रोक सकता है तलगा जड़ा के राम मंदिर में पूरी रात उनके पैर पकड़कर सो रहूं तो कौन मना करेगा, अपना मंदिर अपना राम, धनुष बाण बिने का बिना राम कुछ भी करूं, पैर पकड़कर सो लूं, पुजारी भी मना नहीं कर सकता क्योंकि पुजारी भी अपना, कौन मना करे। मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी हीनता छोड़ दीजिए, मैं हीन मैं दीन, शरणागति के बाद शरणागति में बात और है, लेकिन अपने आप को सतत ग्लानी में रखना यह हिंसा है। ऐसे जीना, मैंने पढ़ा कल, यद्यपि इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश तो मैं समझ नहीं पाता, थोड़ा बहुत जाना सुना। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट, आपने सुनी होगी ये बनी घटना है, मुझे बहुत प्रिय कर लगी। वो अपने सेनेट में पहली बार प्रवचन के लिए जाते हैं, संसद में सब सेनेटर बैठे हुए हैं, बड़े 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 मानव धर्मी था ये आदमी लिंकन साहब, अब्राहम लिंकन, अमेरिकन लोग बोलते अब्राहम लिंकन, अब्राहम शिव 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 अब्राहम लिंकन। तो एक सांसद खड़ा हुआ है, बनी घटना, प्रेसिडेंट महोदय, हाँ
आदरणीय सदस्य, तुम्हारे पिता, मेरे पिता, मेरे दादा हमारे परिवार के बूट सीते थे, चप्पल सीते थे, आपको याद होना चाहिए। ऐसा ठाना मारा और ठहाका मच गया संसद पे, सब ने लिंकन की हंसी उड़ा दी। कितना अपमान, राष्ट्रपति है अमेरिका का, और उसने कहा कि आपका बाप हमारे बाप के बूट चप्पल सीते थे। और लोग तो रामधुन में कम होते हैं, निंदा धुन में बहुत होते हैं। कहीं गांव में रामधुन बिठा हो 24 घंटे के, दो ही होता है, एक बोलेगा दूसरा जिलेगा, रामधुन में कम होता है, बाकी दुनिया की निंदा करता है। क्या बात थी, अच्छा ऐसा है, हाँ, दूसरे को पांच को बोले आओ आओ रामधुन में आओ, उसकी ये रामधुन है। पूरा संसद मजाक कर रहा है, प्रेसिडेंट मुड़ता है, आदरणीय सेनेटर आपका स्वागत करता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाते मेरी संसद के सदस्य का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरा बाप आपके बाप के बूट चप्पल सीते थे, मुझे उसका आनंद है, लेकिन बताइए कि मेरे बाप के सीए किसी बूट ने आपके पिता के पैर को जख्मी तो नहीं किया? और शायद मेरे पिता के सीए हुए बूट आप भी पहनते होंगे, कहीं डखा तो नहीं, कहीं चुभा तो नहीं? यदि चुभा हो तो मैं भी मेरे बाप से ये कला सीखा हूं, आपके चप्पल दे दीजिए, रिसेस में मैं सी दूंगा। अपने कार्य का गौरव होना चाहिए, हीनता क्यों? हमें और आपको हीनता की पीड़ा तभी होती है जब दूसरा कहे उसमें हम शरीक हो जाते हैं। रहो मक्कम, हम कैसे दीन? मेरा बाप जूता सीता था, ले मैं भी सीता हूं। और जितने सेनेटर्स बैठे हैं आप सबने मेरे बाप के सीए हुए बूट पहने होंगे, बड़ा फेमस था मेरा बाप, उसका बेटा मैं हूं। किसी के बूट को कोई शिकायत हो तो मुझे बताइए, सबने कहा ऐसा तो नहीं, तो बस मेरा बाप एक सर्जक था, सर्जक ये शब्द मुझे, एक क्रिएटर था, चाहे जूते का क्यों ना हो लेकिन एक सर्जक था, और सर्जक का सम्मान होना चाहिए। आदरणीय सदस्यगण, भले आप मेरे बाप ने न सीए हो, आप दूसरी कंपनी के जिसके, लेकिन कभी जब तक आप सांसद रहे आपके बूट चुभे ना मेरे पास आइएगा, मैं अवकाश के समय में आपके, क्योंकि मैं आपका प्रेसिडेंट हूं। चुप, सन्नाटा। हमारी बद इज्जती, हम शरीक न होते तब कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हम मान लेते हम तो दीनहीन, हम तो ऐसे, हमारा साथ होता है तब लोग हमारी फजेती कर सकते हैं। हम अपने भजन में मस्त रहे, कोई माय का लाल पैदा नहीं होता जो तुम्हारी और हमारी बेइज्जत, शरीक होना पड़ता है, हम अपने आप बेइज्जत हुए जा रहे हैं। कुछ भी लोग कहे, और दुनिया तो है, गुलाब जामुन कल खाए थे नहीं? कुछ तो लोग ये दुनिया है, कुछ तो कहेगी ही, बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा है दुनिया ने, ये जगत है, क्योंकि लोगों का काम भी कहना छोड़ो बेकार बातों को नहीं
कुछ तो लोग पर ध्यान देना, ये तो फिल्म का गीत है लेकिन सर्जक का संकेत, मैं मेरी दृष्टि से सब कहता, मैं तो फिल्म की पंक्ति गाऊं तो भी आध्यात्मिक अर्थों में गाता हूं, बाकी मैं कोई फिल्म गीत गाने वाला थोड़ा हूं। उसका संदर्भ मुझे ये लगता है, आदमी की हुई निंदा का स्मरण आदमी रात में ही करता है, सो नहीं पाता। उसने मुझे दो चार खरी खोटी सुनाई थी, कल देखो रात भर छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना, ये रात तो हरि भजने के लिए है, यदि निंद न आई तो हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। रात साधुओं के लिए रात क्या है, गीता कहती है या निशा सर्वभूतानां, जो रात्रि सबके लिए सोने के लिए उसमें योगी जागता है, और जो दिन में सब जागते उसमें योगी सोता है। भजनानंदी को महसूस होता है कि कहीं बीत न जाए रहना। यहां सीता भी बदनाम हुई, यहां किसी ने किसको छोड़ा है, अपने आप को ही न समझना खुद की हिंसा है, दूसरे को हीन समझना ये परहिंसा है, खुद को हीन समझना ये स्वहिंसा है, दोनों हिंसा से बाहर निकलना अहिंसा है। उसको तुलसी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और उसको ही महावीर प्रभु परम धर्म कहते हैं अहिंसा। महावीर के धर्म की आत्मा अहिंसा है, तप उसके बाद है, संयम उसके बाद, संयम मध्य में है बिल्कुल। ये जो क्रम भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले अहिंसा फिर संयम फिर तवो फिर तप, ये तुरस तीन सूत्र श्रेष्ठ धर्म का परिचय है। तो अहिंसा अनेक अर्थों में उसको देखना चाहिए। दूसरा सूत्र भगवान महावीर कहते हैं संयम, जीवन में संयम होना चाहिए, संयम तो होना चाहिए। यस, ये सम्यकता जरूरी है, विवेकपूर्ण संयम, संयम भी जड़ न हो जाए, नियम भी जड़ न हो जाए। मां कल कहती थी कि बापू मैं पैदल बहुत चली हूं, जो हमारी परंपरा में तपस्या उसी में मैं नंगे पैर चली हूं, कितने सालों वही तपस्या में गुजरी हूं, लेकिन जैसे जैसे जागरण होता है अनासक्ति दृढ़ होती है, कहीं भी रहो अपरिग्रह का नियम मजबूत होता है, तब कानन बसही की गे फिर क्या फर्क पड़ता है। और असली बात यही है, संयम, विवेकपूर्ण संयम, ये ध्यान रखना। कई लोगों का संयम अविवेकी जड़ होता है, मैं मौन का पक्षी हूं, पक्षी में पंखी नहीं, पक्षधर, मौन का पक्षधर हूं, मैं मौन रहना बहुत पसंद करता हूं, कथा के बाद भी मौन रहता हूं, बोलता नहीं, शाम को संध्या पूजा के बाद फिर बोलू, बाकी मेरा स्वभाव मौन है, बोलू 3 घंटे बोलू तो कोई बाकी ना रखू, शिव 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 शिव। लेकिन बाकी मौन, विवेकपूर्ण संयम। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप तो संसारी लोग हैं ना, जीव है जंतु है, तो आप यदि मौन रख सको तो अच्छी बात है, साफ बहुत मौन रहना, जहां तक समय समझ साधना करो तब मौन रहो,
बिन मांगी सलाह दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा, आपने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि भजन करो, साधना करो। अब गाने का हो तो गाना ही, लेकिन वो गाना भी मौन है। जप करो तो होठ फफड़े फफड़े, वो भी मौन है। मन की प्रसन्नता ही मौन है। लेकिन जहां तक भजन करो, चुप रहे और दो व्यक्ति साथ में बैठकर माला मत करो, जप मत करो, वरना इशारा करोगे कि केटली माला थे, केटला हनुमान चालीसा थया, ये तो अकेले करो। एकांत, शंकराचार्य का सूत्र है, एकांते सुखमास्यताम, जगत गुरु कहते हैं। जहां तक संभव भोजन करते समय जहां तक संभव मौन रखो, रात में मौन रखो, सोने के बाद मत भूलो। कोई रात में सोने के बाद भी बोलने की आदत हो तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, बाकी सो जाने के बाद प्लीज मत भूलिए। ये इजली मैं कह, सोने के बाद कौन बोलता, लेकिन कई लोग बोलते। एक भाई को नींद नहीं आ रही थी, अपने बेड में इधर उधर करवटे बदलता रहता, रात भर करवटे बदलते रहे। तो पत्नी पेंटिंग की शौकीन थी, वो पेंटिंग करती थी, जब उसको नींद ना आए, उसको मौज आए, तो कैनवास पीछे रंग लेकर वो चित्र सुंदर बनाने लगती, जो अपने अंदर से उठता वो पेंटिंग बनाती थी। तो उसने देखा कि मेरा पतिदेव, मेरा जन्म जन्म का साथी, सो नहीं रहा, तो पूछती है, सुना, सुनते हो? हाँ। तो क्यों करवटे बदलते हो, क्या है, तबीयत तो ठीक है? बोले नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती कि नहीं, खबर नहीं, नींद नहीं आती, 3 बज गए, नींद नहीं आती। तो पत्नी ने क्या कहा, खबर कि बाहर चौकड़ी में मैं रात को थक गई थी, इसीलिए बर्तन साफ नहीं किए हैं, ढेर पड़े हैं, साफ कर लो, नींद ना आती हो तो बर्तन साफ कर लो। तो उसने क्या कहा, मैं तो नींद में बोलता हूं। आदमी सीधा धर्मांतर कर गया, सीधा बदल गया, मैं तो सो ही गया हूं लेकिन नींद में बोलता हूं, मैं तो सोया हूं। बाप मौन, तो आप मौन रखे यदि, मानो मैं कहीं मेरे व्यासपीठ को सुनने वाले जो मेरे श्रोता है, शिष्य तो कोई है ही नहीं, जो श्रोता है, तो वो मुझे पूछे कि बापू जन्मदिन के अवसर पर हम कैसे जन्मदिन मनाएं, तो मैं उसके परिवार की स्थिति जानता, यदि जानता हूँ तो कहता हूँ कि उसको ज़्यादा कोई काम वाम नहीं है, बच्चे उठा लेते हैं काम, तो फिर मैं कहता हूँ कि कितने साल होने वाली है जन्मदिन की, तो बोले 60 साल, तो मैं कह देता हूँ जन्मदिन आए इससे पहले 60 घंटे का मौन रखो, बस इतना कर, बैठ जाओ चुपचाप, और जन्मदिन के दिन बोलना, ये विवेक पूर्ण संयम है, क्योंकि फिर जन्मदिन के समय भी तुम न बोलो। अब बच्चे भेंट लेकर आ रहे हैं, बीबी तुम्हारे लिए नैपकिन लेकर होटल में चुरा कर लाई है तुम्हारे लिए, कई लोगों को आदत होती है, 5-star होटल में जाते हैं लेकिन टुवाल ले लेते हैं। समृद्धि आ जाए तो भिखारीपन मिट जाए, ऐसा कभी मत सोचना, भिखारीपन वृत्ति होती है, ये हकीकत है। मेरा एक युवक विदेश वाला कहता है, बापू आज तुमने आपने आंख खोल दी, मैं 5-star क्या 7-star में घूमता हूँ रहता हूँ, लेकिन बापू जब निकलता हूँ ना तो परफ्यूम की बोतल चुरा लेता हूँ। एक बहन ने अपने पति से शिकायत की, सुना आपने, सुनते हो? तो वो बेचारा आराम कर रहा था, हाँ क्या बात है, कि हमारे घर में जो काम करने वाली जो बाई है ना, जो बहन है ना,
वो नैपकिन चुरा कर ले गई। तो पति ने कहा कि 8 दिन पहले हम गए थे बेंगलोर घूमने के लिए, तो जो तुम हरे रंग के और लाल रंग के जो नैपकिन चुरा लाई थी वो चोरी कर ले गई कि दूसरे। अब चोरी करने वाले चोरी की शिकायतें कर रहे, सब सौमले है। तो बात, कोई गिफ्ट ला रहा है, कोई बच्चे तुमको कहे बाबूजी आपका मौन पूरा हो गया और 2 घंटे बाकी हो तो पहले बोल दो, कहा बेटा पूरा हो गया। ये है विवेक पूर्ण संयम। उसमें व्रत टूटे तो चिंता नहीं, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। दिल टूटा तो अपराध, व्रत टूट जाए अरे आपने न व्रत ने वड़ी आपड़ा व्रत हो क्या महापुरुष कर आपड़ा व्रत हो खाक। हमारे एक अपने अमरदास बापू होता हमारे ये तलगाजरड़ा से आप पैदल चलकर सैंजल जाओ ना तो उसका गांव आता है बीच में गोरस खुटेवड़ा के पास गांव गोरख। तो वहाँ अमरदास बापू रहते थे, दूधरेज जैसा दूध। जिंदगी में कभी चाय नहीं पी, व्रत कभी चाय पी ही नहीं जिंदगी में। मैं उसको पहचानता हूँ, मेरे तरफ वात्सल्य रखते थे। तो भिखारम काका और हम साथ में थे महुआ, तो अमरदास बापू मिल गए तो सीधे होटल में, ये 50 साल पहले की बात है, होटल में चाय पीने गए। तो अमरदास बापू ने कहा मेरा तो व्रत है, एक रामकथाकार अमरदास बापू ने, दूसरे बड़े अतिथि सत्कार वाले आदमी, ऐसा कोई आतिथ्य करने वाला देहात में ऐसा साधु नहीं देखा। क्या टूट जाता था साहब, कुछ घर में ना हो भी तो भी मेहमानों को 8-8, 10-10 दिन जाने नहीं देते थे, ऐसा साधु। तो भिखारम काका ने कहा कि अमरदास जी, उसका संबंध था वैवाहिक का था, समधि का था, अमरदास जी हाँ बापू चाय पियोगे? अरे बापू मारे तो जन्म से व्रत है, पिता ही नहीं। अरे साधु को कौन सा व्रत, साधु को नहीं, को विधि को निषेध, साधु ने कौन विषेध पर इतना। मैं भिखारम काका को बोलूँ, हमारे चाचा लगते थे, मैं कहूँ काका रहवा दो ना, उसने इतनी सालों से नहीं पिया है क्यों? अरे चुप रहे, मैंने कहा चाय तो पिलवा दूँ, व्रत तो तोड़वा दूँ, चाय का पैसा भी उसके से दिलवा दूँ, किया ही ऐसा, ऐसे ऐसी बातें करके व्रत तोड़वा दिया। ऐसा व्रत किसी का तोड़वाना नहीं, लेकिन किसी का दिल टूट जाता हो तो व्रत टूटे तो इतनी चिंता मत करना। फिर मुझे याद आता है सूफी संत बाबा फरीद, दिल्ली में उसका पड़ाव था, इस्लाम धर्म की एक माता जी विधवा थी, एक बच्चा था, मजदूरी करती थी बे, उसका एक बच्चा इस्लाम धर्म की महिला थी। फरीद का नाम सुना था, खुशी का नाम सुना था, मगर खुशी ना हुई तेरे बगैर ये जिंदगी मुकम्मल ना हुई। कि बाबा फरीद आए हैं, उसका दर्शन करूं। एक वस्तु पक्की है, सच्चा फकीर, सच्चा संत, सच्चा साधु कोई यदि मिल जाए ना तो मैं पूरा विश्वास से कहूंगा पाप तो कट जाते हैं सर, अवश्य पाप, क्योंकि दिल प्रसन्न होने लगता है। और फिर मैं कल वाला सूत्र कहूं कि प्रसन्नता पाप गए बिना आ ही नहीं सकती। फिर हम नए करते हैं वो हमारा स्वभाव, एक करुणा। मेरे तुलसी ने लिखा मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, चेहरा देखो तो पाप मिट जाए, स्पर्श करने दे और छूलो तो जन्म जन्म की कर्म जाल खत्म हो जाए। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत, उसकी वाणी सुनो तो मोह नष्ट हो जाए,
पूर्व भाग मिलाई, ऐसा साधु कोई पूर्व के भाग्य से मिलता है, इधर उधर नहीं मिल सकता। तो सोचा बाबा फरीद का दर्शन करूं, 5-6 साल का बेटा है, उसको भी पैर छुआऊं, कुछ दुआ करे। इस महिला ने सुना था कि बाबा फरीद को जलेबी बहुत, बनी घटना, जलेबी बहुत प्रिय थी। बाबा जलेबी, कई संतों की अपनी अपनी स्वाद की बातें होती है, एक कोई न कोई वस्तु शरीर में रहने के लिए पकड़ रखते हैं, क्योंकि शरीर में टिकना है, हर वासना के तंतु टूट जाए तो शरीर में रहना मुश्किल हो जाता है। बाबा फरीद को जलेबी का क्या मुख नहीं था, ये शरीर को एक खींची पर लटकाने का एक तरीका था कि लटका रहे शरीर। तो उस महिला को पता था कि बाबा को जलेबी बहुत प्रिय है। मजदूरी करती हुई इस महिला ने उस समय की बात, 2-4 रुपये बचाए थे, उसमें से उसने 2 रुपये की जलेबी खरीदी, बाबा को अर्पण करेंगे, बाबा पाएंगे, प्रसाद के रूप में हमें मिलेगा, हमें दुआ मिलेगी। आंखें डबडबा रही है मुस्लिम महिला की, अनाथ बालक, बाप के बिना बेटा, और लेकर गई, बच्चे को धुलवाए, कपड़े पहने हैं, पहनाए हैं, माँ गरीब है, अपने सीधे साधे वस्त्र में, और जलेबी लेकर वो बाबा फरीद के पास जाती है। मस्ती में फरीद बैठे, हुआ भी ऐसा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो इस महिला को अवसर मिला कि बाबा को शांति से मिल पाने का। गई, प्रणाम किया, सलाम किया, बेटे को प्रणाम करवाया। फरीद ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, मैया आपका बेटा? हाँ बाबा। और बाबा पूछे इससे पहले, महिला की आंख में आंसू आ गए, क्यों माँ, क्यों रोती है, क्या बात? बोले बाबा इसका बाप मर गया है, सॉरी। और बेचारी थोड़ी ढीली हो गई, और मां ढीली हो जाए तो बच्चा भी ढीला हो जाए, स्वाभाविक है। और संत तो बच्चे से भी बच्चे होते हैं। मेरे तुलसी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समान, साधु का हृदय मक्खन की तरह होता है। कवियों ने कहा तो है लेकिन जानना नहीं, क्योंकि मक्खन तो जब उसको ताप लगता है तब पिघलता है, साधु तो दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पिघल जाता है। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवई सुपुनीता। और हाथ कांप रहे मुस्लिम महिला के, बच्चे को एकदम निकट बिठाया है, 3 ही तो थे, बाबा बैठे और वो कागज में बांधी हुई जलेबी वो खोल कर रखती है। बाबा आप जलेबी पाओ, मैंने सुना कि आपको जलेबी प्रिय है। खोल दिया पॉकेट, फरीद चुप रहे। ए मां और उसका बच्चा फरीद के सामने देख रहे कि कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है। 5 मिनट एक सन्नाटा सा रहा, और फिर फरीद ने कहा, मां मुझे माफ करना, आज मेरा व्रत है, रोजा है, मेरा उपवास। ओ बाबा क्षमा करिएगा, हम तो पतित लोग कुछ नहीं कर सकते, कहीं एक फकीर का व्रत टूट जाए तो हम ज्यादा पतित पापी हो जाएंगे। जलेबी का वो एकदम वापस ले लो, क्योंकि हम गरीबों के नसीब भी तो गरीब होते हैं बाबा। और मां को रोती देखकर उसका बेटा रो गया। महिला को लगा कि बाबा का व्रत नहीं टूटना चाहिए,
किसी संत की बंदगी टूटे ये अपराध है, मैं हम ये क्यों करें। बस उसने छू दी जलेबी को, हाथ छू दिया, हो गया प्रसाद। हाँ बाबा, बाबा आप व्रत मत तोड़िए, बस आपने कृपा दृष्टि की। लेकिन बच्चा मां को लिपट कर रोने लगा। जलेबी का एक पड़ी का लेकर बच्चे का हाथ पकड़ अपने आप को रोने से, एक शेर है कि तो मैं दो दिन से लाता हूं, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आज जो बातें कर रहा हूं उसके अनुरूप है। तुम्हें मोहतात होना चाहिए था, मोहतात मानी जागृत, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। शेर सुनिएगा, तुम्हें मोहतात, तुम्हें मोहतात होना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए था। हे साधु, बिना आंसू रो लेते हैं, तेरे आंसू देखकर कितने रो पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें सावधान रहना। साधु रोएगा तो पता नहीं लगेगा। निश दिन बरसत नै न हम, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे निश दिन बरसत नै। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था। अंगत वस्तु को बाजार में न रख दी जाए, आंसू तो साधकों की संपदा है। मैं तो जब गुरु पूर्णिमा को प्रवचन देता था तब कहता कि साधक को मेरी समझ में दो का आश्रय करना चाहिए, प्रेम मार्ग के साधक को, एक अपने बुद्ध पुरुष का आश्रय और दूसरा अपना खुद का अश्रु। अश्रु जिसके, अश्रु जैसी कोई संपदा नहीं है। कोरी आंखें छप्पनियों दुष्काल छे, तुम्हें मोहतात रहना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए था। गजल है बदायूनी साहब की। कुछ और शेर पढ़ दूं, बड़े प्यारी गजल है, पहली बार हमने गाजियाबाद में सुना, बिल्कुल एक देहात में रहने वाला शायर इतनी ऊंची बातें लिखता है पता भी नहीं। वसीम साहब ले आए थे कि बापू सुनिए, वसीम बरेल, और बिल्कुल ये देहाती कवि क्या शायरी पढ़ गया था, तो उसकी ये शायरी है। तुम्हें मोहतात होना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए था, मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है। वादा तोड़ने वाला आदमी, वादा खिलाफ, वचन दे और न पाले, ऐसी मेरी वादा खिलाफी पर वो आदमी चुप है। गजब है, शायर कहता है मेरी वादा खिलाफी पर वो चुप है, उसे तो नाराज होना चाहिए था, उसे तो नाराज होना चाहिए था। और ये शेर बहुत प्यारा, आप अपने बुद्ध पुरुष को कह सकते हैं दादागिरी के साथ, यदि आप पूर्णतः किसी के आश्रित हो तो ये शेर आपके लिए मंत्र बन सकता है। आप अपने गुरु को कह सकते हैं सदगुरु। सदगुरु शब्द बड़ा प्यारा है। आत्मसिद्धि में श्रीमद राजचंद्र को पढ़ो, सदगुरु 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 शब्द का कितनी बार श्रीमद प्रयोग कृपालु देव प्रयोग करते हैं। सदगुरु सदगुरु सदगुरु, चार भाग निकालते हैं, सदगुरु सन्मुख, सदगुरु विमुख, असदगुरु सन्मुख, असदगुरु विमुख, चौभंगी चौभंगी जयंत मुनि जी ने लगा दी, भाष्यकार। आदमी को सदगुरु मिल जाए तो सन्मुख रहना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं सदगुरु मिलने के बाद भी विमुख रहते हैं। तकते तो सदगुरु के पास ही बैठते हैं, लेकिन विमुख का अर्थ है कोई और निकट आ जाए तो ईर्ष्या करते हैं, वो खास निकट बैठा है तो भी सदगुरु के सन्मुख नहीं है, विमुख है।
और कभी कभी देखा जाता है कि असदगुरु सन्मुख प्रलोभन के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, वाह वाह के कारण, हम जो गुरु नहीं है, असदगुरु है, डंब है, पाखंड है, उसके सन्मुख होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो पहली और आखिरी है, असदगुरु विमुख। कई विवेक बुद्धि से असदगुरु से विमुख रहते हैं, सदगुरु से सन्मुख रहते हैं। बहुत बार प्रयोग किया श्रीमद् राजचंद्र ने, सदगुरु 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 कृपालु देव। तो ये जो शेर है, मेरी समझ में आप अपने बुद्ध पुरुष, यदि आप पूर्णतः किसी के चरण में, महावीर बुद्ध किसी के भी शरण में, या तो कोई वर्तमान महापुरुष में आप पूर्णतः आश्रित है, तो आप ये शेर उसके सामने मंत्र की तरह कह सकते हो, आपको अधिकार है। सुनिए, यदि कोई आपका बुद्ध पुरुष, आपका सद्गुरु आपको मिले और आपको पूछे कि कैसे हो, तो आप ये शेर उसको सुना कि हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था, तने तो खबर होई जो ये तू दाता है, हमें 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 बीजी जोक नथी भाड़ी, गुजराती में कहूँ तो हमें तारा आश्रित छे, तू हमने पूछे, तुझे तो हमारी खबर होनी चाहिए कि मेरा साधक की क्या दशा है। और गुरु को पता होता है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था, तुम्हें महतात होना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए था, अब उसको याद करके रो रहा हूं, अब उसको याद करके रो रहा हूं, मुझे तो बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था, जब वो बिछड़ा। तुलसी की एक चौपाई है, मिलत एक दुख दारुण देखी, बिछड़त एक प्राण हरि लई। संत सुख भी देता है, दुख भी देता है, असंत और संत दोनों दुख ही देते हैं। फर्क इतना कि असंत मिलता है तब दुख देता है, और साधु जाता है तब दुख देता है। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, मिलत एक दारुण दुख देगी, बिछड़त एक प्राण हरि लेगी। अब उसको याद करके रो रहा हूं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। और बहुत शेर, अच्छा शेर है, सुनिएगा। चला आता यकीनन ख्वाब में वो, मेरे ख्वाब में, मेरे सपने में चौक्कस वो आता, जरूर मेरे ख्वाब में तो आता ही मेरा प्रभु। चला आता यकीनन ख्वाब में वो, हमें कल रात सोना चाहिए था, हमें कल रात सोना चाहिए था, जरूर वो ख्वाब में आ जाता, लेकिन हम सोए ही नहीं तो क्या है बेचारा। आखिर में कहते हैं, पड़ा था इश्क में पहला भंवर, जब इश्क के दरिया में पहला भंवर जब पड़ा, भंवरी पड़ा था इश्क में पहला भंवर जब, वहीं कश्ती डुबोना चाहिए था, उसी जगह तुम्हें तुम्हारी नौका को डुबो देनी चाहिए था, तुम्हें मोहतात होना चाहिए, रहना चाहिए था, बगैर अशकों के रोना चाहिए। वो इस्लाम महिला अपना बच्चा ज्यादा फुट फुट कर न रो पड़े, इसलिए आंसू को थामे हुए थी। जलेबी का वो पड़ी का उसने उठा लिया कि फकीर का व्रत न टूटे, छू दिया ना बहुत हो गया। कुछ कदम माँ और बेटा जलेबी को वो लेकर के निकले ही है, और यहां फरीद की आंखों से अश्रु बह रहे। इस सही घटी हुई घटना कहते हैं, बाबा फरीद खड़े हुए और कहा कि अम्मा अम्मा। बाबा, हाँ अम्मा, लौटा लौटा। बाबा, हाँ लौटा, बेटे आ, बच्चा आ। और मां
जलेबी ला, जलेबी ला। अरे बाबा आपका व्रत टूटेगा? नहीं नहीं, जलेबी ला। रोजा टूटे तो कोई चिंता नहीं, एक माँ और बेटे का दिल टूट जाएगा, मेरा खुदा मुझ पर नाराज हो जाएगा, मेरा अल्लाह मुझ पर कुपित हो जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ऐसी प्रेम की गंगा बहाते चलो। अश्रु और आश्रय दो ही ठिकाना है हम जैसों का। संयम में विवेक होना चाहिए, जिसको भगवान महावीर श्रेष्ठ धर्मों का मध्य भाग कहते हैं। दूसरा, संयम में दंभ नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिम्मेवारी से सब व्याख्या है। दुनिया घूमता हूं तो देखता हूं, और संयमियों का दंभ देखता हूं तब दुख नहीं होता है, उसकी दया आती है। दंभ मुक्त संयम महावीर का धर्म। हम लोग कैसे कैसे दंभिक हो गए। कई बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं और वो कहे कि ये प्रसाद लो, कुछ चाय लो, ये लो, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम बाहर का लेते ही नहीं, बाहर का लेते ही नहीं, और बाहर जाकर कोका कोला पीते हैं। ये दंभिक संयम है। गुरुजनों पर प्रभाव डालने के लिए कहते हैं हम बाहर का लेते ही नहीं, तो गुरु पर प्रभाव पड़ा, हर ये तो मेरे से भी आगे निकल गया, सही में कुछ लेता ही नहीं। ऐसा ऐसा एक बार मेरे पास एक परिवार आया, हमने कहा कि नींबू का पानी पियोगे कि चाय कॉफी कोल्ड कॉफी क्या? बोले नहीं नहीं बापू, हम बाहर का लेते ही नहीं। मैंने कहा ये बाहर का नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम तो प्रभाव डाल लें। मैं समझ गया कि ठीक है, अच्छा आपकी मौज, जीत क्या करे। और फिर वो गए और मेरा तलगा जड़ा जाने का समय हो गया था। खबर नहीं परमात्मा ने मुझे कैसी अक्ल दी, मैं जिस रास्ते से जाता था आज मैंने रास्ता बदला और घूम कर गया, तो वो पूरा परिवार एक होटल पर कोका कोला पी रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए। मैंने शीशा बंद कर दिया, उसको संकोच न हो, ऐसे में निकल गए। ये दाम्भिक संयम है। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग में, उनके ज्येष्ठ लाल विठलनाथ जी, एक वैष्णव परिवार उनके घर आया, कोई उत्सव था ठाकुर जी का, कुछ दिन रहे फिर विदा मांगे, तो विठलनाथ जी भगवान ने कहा कि आज रुक जाओ, तो माने ही नहीं, नहीं बस अब जाना है, अब जाना है, अब तो जाएंगे। तीन बार कहा कि रुक जाओ ना, बोले नहीं नहीं जाना। वो निकले और गांव के बाहर जैसे गए तो एक गधा बीच में रास्ता क्रॉस करके निकला, गधा। ये बनी घटना, वैष्णवी परिवार को असगुन लगा कि गधा मिला, अब सुकन हो गए। अब गधे को तो पूछते कि हम मिले उसके बाद तेरी क्या दशा हुई, एक भाई को किसी ने पूछा आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, बोले मेरा बेटा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है। आपका बेटा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, क्योंकि निकट वाला जानता था कि अनोदिक रहा वो कोच है, तो बोले मैं आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है, आपका बेटा वहां पढ़े तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या अध्ययन करता है कि वो अध्ययन नहीं करता है, प्रोफेसर उसका अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापक उसका अध्ययन कर रहे हैं कि यह किस किस्म का लड़का है, उसका अध्ययन हो रहा है। गधे को तो पूछते कि हमारे दर्शन के बाद तुझे खाना मिला कि नहीं। वैष्णव परिवार को लगा कि अब सुकन, लौट आए गुरु के पास, कहा कि बाबा ठीक है रुक रुक जाए। तो विठलनाथ जी बाबा मुस्कुरा करके बोले कि गधे की मानते हैं गुरु की नहीं मानते, गधे की मानेंगे लोग लेकिन गुरु को मानने की राजी नहीं। ये है दाम्भिक संयम। संयम
बुद्ध की तथागत की भाषा में मध्यम मार्ग है, ना ये अति ना ये अति, सम्यक। मैं आपसे पूछूं कि मैंने तो जहां तक मेरा महावीर के प्रति जो श्रद्धा है वो मुझे बुलवाती है, अपने कभी भगवान महावीर स्वामी का बिल्कुल कृशगात चित्र देखा है? नहीं। बुद्ध तो 6 साल तप करके बिल्कुल हार्ड पिंजर से बन गए, वो नदी को पार करने में भी वो किनारा पकड़ के भी पार नहीं कर पाए। एक शाखा झुक रही थी नदी के, निरंजना नदी के ऊपर, और शाखा को पकड़कर चढ़ने की भी ताकत बुद्ध में नहीं थी कि इसको आश्रित करके मैं पकड़ूं और निरंजना पार नदी पार नहीं करे। तब बुद्ध को पहली बार बिजली कौंध गई कि मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रहा हूं, भवसागर कैसे पार कर सकूंगा। ये तपस्या ने मुझे एक नके बराबर बना दिया है। तो बुद्ध के बारे में बहुत दुर्बल शरीर है। भगवान महावीर कितने साल तक, कितने इतने सालों में, दिनों में गिना जाता है कि इतनी बार उसने भोजन किया, बाकी भोजन नहीं किया, लेकिन मेरी आंखों ने अभी तक महावीर का कृशगात चित्र नहीं देखा। क्या खाता होगा जिसको भजन नो आहार हो, जिसको ब्रह्म का आहार है, जो अपने अंदर से भोजन क्रिएट करता है, जो अंदर से सामर्थ्य आता है। बुद्ध और महावीर वहां बिलक हो जाते, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं तपस्या का मार्ग, और यहां इतनी प्रगाढ़ तपस्या, लेकिन वर्धमान है ये वर्धमान है, ये बढ़ता गई सामर्थ्य, शक्ति, तेजस्विता, स्फूर्ति उसकी बढ़ती ही चली। रहा विवेक पूर्ण संयम, बुद्ध ने तो एक अति पर गए, फिर दूसरी अति पर गए, फिर अनुभव के बाद उसने मध्यम मार्ग का स्थापन किया। तो संयम दाम्भिक न हो, देखावा न हो, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए ही न हो। संयम अपने को संतुष्ट रखे, अपने को संतोष दे, अपने को डकार दे, वो संयम महावीर का धर्म है। समजम नियम सिली मुख ना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंड, बर विज्ञान कठिन को, बीरति चरम संतोष कृपा, असमज नियम सिली। मंगलकारी सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन? तो भगवान महावीर कहते हैं संयम। और गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं संयम यह, तुलसी की व्याख्या संयम। संयम किसको कहते हैं? संयम यह न विषय के आ, जिस विषयों ने हमें बार बार भवाटवी में डाला है, ऐसे अनुभव के बाद जिसको कोई विषय की आशा नहीं रहती, विषय निर्मूल हो गया, विषय मुक्त जो हो गया, उसको तुलसी ने संयम कहा। संयम यह न विषय के तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा, संयम यह न विषय के। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने मानसिक रोगों के इलाज के लिए कहा है कि
कि मानसिक रोगों का वैद्य केवल सद्गुरु है और उनके वचन पर भरोसा करना यही एकमात्र उपाय है। और जैसे डॉक्टर कहते हैं इतना इतना करी संयम निभाना, तो संयम क्या है? संयम यह न विषय के आशा, जिन विषयों ने हमें खराब अनुभव करवाए हैं ऐसे विषयों की हम बार बार इच्छा न करें। तुलसी उसको संयम कहते हैं, संयम नियम को फूल फल भी तुलसी कहते हैं। बड़ी अच्छी व्याख्याएं तुलसी प्रस्तुत कर देते हैं मानस में। तो भगवान महावीर कहते हैं संयम। और तीसरा परम मांगलिक धर्म है वो है तप। बागेश्वरी तुलसी अपने शास्त्र में तप की महिमा का गायन करते हैं। तप क्या है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु त्राता, तप बल संभु करहि बल रचई प्रपंच विधाता। गोस्वामी जी कहते तप के बल से ही विधाता इस प्रपंच की रचना करता है, तप के प्रभाव से ही विष्णु परिपालन करता है, तप के प्रभाव से ही शंभु उसका संहार निर्वाण करते हैं और तप के आधार से ही धरती को शेष अपने सिर पर धारण करते हैं। हे पार्वती, तप के प्रभाव से सृष्टि चल रही है। उपनिषदकार कहते सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा, उंगली उठाई है, यही सचोट यही आत्मा है, इसको वो ही आत्मज्ञानी है, वो आत्मा को प्राप्त कर सकता है। कैसे मिलती आत्मा? सत्येन लभ्यस तपसा, सत्य से आत्मा मिलती है तप से। और सत्य के समान तप कौन? सत्य बड़ी तपस्या है, प्रेम बड़ी तपस्या है, करुणा बड़ी तपस्या है। तो पूरा जगत तप पर आधारित है, तप की बड़ी महिमा है। भगवान महावीर कहते हैं तप इस श्रेष्ठ मंगल धर्म है। तो जो मानस ने गाया है 2500 साल पहले, एक चलता फिरता एक अद्भुत प्रभु इस भूमि पर साधना कर रहे थे, और आपके जो अमृत वचन है आज आपके चरणों में बैठकर हम गा रहे हैं, उसी को मेरी व्यासपीठ मानस महावीर कहती है। महावीर बिना महा
साधना तीर्थ में हम और आप मिलकर माँ के सानिध्य में विरायतन के इस पावन भूमि पर मानस महावीर की कुछ सात्विक तात्विक संवादी सुर में बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा कथा का क्रम ले लो, लेकिन इससे पहले 2 मिनट हरि नाम, एक ताली। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कथा के एक बहुत बहुत अर्थों में तात्विक और आध्यात्मिक गायक कथक गायक तो ना कहूँ कथक पंडित राम किंकर जी महाराज जो अब नहीं रहे शरीर से ब्रह्मलीन है वो कहा करते थे राम कथा जगत के एक महिमावंत व्याख्याकार पंडित राम किंकर जी महाराज अवश्य नो डाउट आप कहा करते थे कि कभी कभी लोग भोजन करते हैं तो शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि भूख नहीं लगती तो डॉक्टर उसको कोई ऐसी टिकिया गोली देते हैं कि पहले ये गोली ले लो ताकि आपको भूख लगेगी फिर आप खाओ। अब खाने के क्या आज का जो भगवान महावीर स्वामी का जो भंडारा चल रहा है प्रसाद उसका जो आज जो वानगी है जो आइटम है वो है कढ़ी पकौड़ी चावल पूरी सब्जी भिंडी की सब्जी आलू एवं पत्ता गोभी का पकौड़ी अचार सूजी का हलवा और बूंदी मीठी बूंदी और मीठा सूजी का हलवा। आप सभी भाई बहनों को व्यासपीठ का निमंत्रण है माँ की ओर से निमंत्रण है कि कथा पूरी होने के बाद आप सब शिस्त में मर्यादा में अस्वच्छता न हो। देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है इसलिए अस्वच्छता न हो अन्न का बिगाड़ न हो आपकी तबीयत के अनुकूल भोजन करना इतनी मात्रा में करना कि कल आप स्फूर्ति से कथा में आ सकें आराम से कथा में आप आ सके ऐसी मात्रा में आप भोजन करना। तो पंडित जी महाराज कहा करते थे कि कई लोगों को डॉक्टर कहते हैं पहले गोली लेना तभी भूख प्रकट हो और फिर भूख प्रकट होती है और वो आदमी भरपेट खाते हैं और खाने के बाद डॉक्टर फिर गोली देता है कि अब पच जाए। तो कथा के आरंभ में भी हम 2 मिनट कीर्तन कराते ही प्रवचन का भोजन आपको परोसा जाएगा ना तो ये भरपेट भोजन प्रवचन सुनकर खाओ इससे पहले भूख लगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो भक्ति जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा तो पहले भूख जगे इसलिए कीर्तन। और 3 घंटे की कथा आपने सुन ली भरपेट भोजन कर लिया अब ये पच जाए इसीलिए अब ये फिर ये गोली। श्री राम जय राम जय जय Yeah.
राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय हरि बोल जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम हरि बोल जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री महावीर स्वामी अंतर्यामी 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम भारत माता की जय हो 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 महावीर स्वामी अंतर्यामी 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 महावीर स्वामी तो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 आज की कथा यहाँ विराम लेती है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा भाव से। राम चंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव तारत वयम में पौदर सब खगराज आय सुदेव सुकर सदा तारत रूप बाल चरित कहि विविध विधि मन मह परम खुशिया गवन कहे सुनी श्री रघुवीर भौराभिषेक प्रसंग कहे श्री राम विपिन गवन के वट अनुरागा सुनिवास प्रभु मिलन बना के करुण प्रिया संग पुरवासी भरत
भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु कही विराज बद मारिच बत कही दे माया सीता कर हर ना श्री प्रभु गीत क्रिया बबरी विरह वरणत सरोवर प्रभु नारद संवाद कही मारते मिलन पुनि सुग्रीव मिताई पाठान कर कपिल कर प्रभु वर्णन वर्षा सरकारी जय विद गपत की सपराय सीता खोज सकल विद गाए विवर प्रवेश किन जय भाते कपिल भवन लाए तुम सब कथा सुनी तुम्हारा नाम प्रवेश किन मुनि सत धीरज बन उजारी रावण ही प्रबोधे गुरु दयना देव बहुर आय कब सब जान गुराई वही दे सब सुनाई दे समेत जथार मेरा तेरे जाय बार मिला भीषण दे विधि आई सागर कथा सुना दे बांध कब से निजनी तेरे सागर पार दे बसी की वीर पर दे दिवाली निश्चर की सलराय पर निश्चित विविध निशरण कर मरण रघुपति रावण समर बखाना रावण बलवान राज सीता रघुपति मिलन बहु सुरन कड़ी कपिल समेता अवध प्रभु देवी रावण बहोरी राम अभिषेका गुरु बदमती तथा समस्त सुन्न भगवान जो सुन सन कही भगवान तुम सब राम कथा करुणा कहत जन्म परम देव हो संदेह सुनो सकल रघुपति दयकर वयो राम पद नेह तव ललित ललित आदि
यही आती थी